हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज के इस सेशन में हम गुरुनीति कम प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर जेई मेंस की यूनिट नंबर 9, जिसके अंदर हमने चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। और ये दोनों चैप्टर्स जो है वो जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल इनमें से ज़्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। और दोनों चैप्टर्स जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन, इनके जो बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं वो काफ़ी कुछ सिमिलर हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर के अंदर बात करें अपन, तो चार्ज के लिए हम क्यू से उसको डिनोट करते हैं और यहाँ पर चार्ज के बजाय मास आ जाएगा ग्रेविटेशन के अंदर। तो मतलब चार्ज को, क्यू को आप एम से रिप्लेस कर दोगे और जो वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल जो कॉन्स्टेंट था कैपिटल जी, वो यहाँ पर के से हम रिप्लेस कर देंगे और उसके अलावा डिस्टेंस सेम है। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एंड एनर्जी, इन सारे फॉर्मूला जो हैं इन दोनों के वो काफ़ी सिमिलर से हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए प्लेनेट ऑफ मास एम मूविंग अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज कैपिटल एल अबाउट द सेंटर ऑफ द सन, इट्स एरियल वेलोसिटी इज। तो कोई भी पार्टिकल है, कोई भी प्लेनेट है, सन के अराउंड जब रिवॉल्व करता है तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो इलिप्टिकल पाथ में या सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर पाता है बेटा, ठीक है। तो जो बाउंड पाथ होते हैं ना, जो बाउंड पॉसिबल पाथ जो होते हैं किसी भी प्लेनेट का, किसी स्टार के अराउंड, वो दो टाइप के पॉसिबल हैं। बाउंड की बात करें अगर अपन, तो एक तो इलिप्टिकल और एक सर्कल, और वैसे देखा जाए स्ट्रेट लाइन भी पॉसिबल है अगर पार्टिकल सीधा चले तो, ठीक है। तो ये सन है हमारा और ये इलिप्टिकल पाथ है और ये अर्थ है या कोई प्लेनेट है सपोज, ठीक है। तो यहां पर बेटा टी टाइम पर प्लेनेट की जो पोजीशन है ये वाली है और टी प्लस डी जी टाइम बाद प्लेनेट जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। तो सन के रेस्पेक्ट में बात करें तो सन के रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वैक्टर अभी इस तरफ है और थोड़ी देर बाद में देखोगे आप तो पोजीशन वैक्टर इस तरफ आ जाएगा। तो पोजीशन वैक्टर लगातार चेंज हो रहा है और पोजीशन वैक्टर जो एरिया स्वाइप कर रहा है स्मॉल टाइम डी टी के अंदर, जिसने इसने जो एरिया स्वाइप किया दैट इज डी ए, राइट, डी ए। तो जो एरियल वेलोसिटी होती है उसे हम डी ए बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक है। डी ए बाई डी टी यूनिट टाइम में जो एरिया स्वाइप कर रहा है पोजिशन वैक्टर। सो डी ए बाई डी टी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो एक जनरल फॉर्म है जो कि आपको याद रखनी भी है। देखो सन के रेस्पेक्ट में देखा जाए, सन के रेस्पेक्ट में प्लेनेट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो टूवर्ड सन लगेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड सन लगेगा और जो पोजिशन वैक्टर है इस प्लेनेट का, प्लेनेट का सन के रेस्पेक्ट में, वो आर वैक्टर मैंने लिया। तो जो फोर्स और जो पोजिशन वैक्टर है वो एक दूसरे के एंटी पैरल अपोजिट है विद रेस्पेक्ट टू सन, विद रेस्पेक्ट टू सन। और जो टॉर्क लगेगा सन के अबाउट प्लेनेट पर उसकी वैल्यू आएगी आर क्रॉस एफ। आर और एफ एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो एंगल इन दोनों के बीच में 180 डिग्री हो जाएगा और आर क्रॉस एफ की वैल्यू कितनी आएगी, आर एफ साइन 180। साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, जिसका मतलब टॉर्क जो है इस केस में जीरो आ जाएगा, टो जीरो आ जाएगा। और टॉर्क जो है वो डीएल वैक्टर बाई डी टी होता है, एंगुलर मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव होता है। तो अगर टो जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम भी डेफिनेटली कंजर्व रहेगा। तो कोई भी प्लेनेट या कोई भी पार्टिकल इस सन के अराउंड या कोई भी प्लेनेट के अराउंड कोई सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रहा है तो उस प्लेनेट या स्टार के रेस्पेक्ट में जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है इलिप्टिकल या सर्कुलर ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में, जिसके अबाउट वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम अगर एल है तो उस केस में डी ए बाई डी टी की वैल्यू आती है बेटा एल बाय टू एम, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, वैसे इसका प्रूफ है, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। इवन जस्ट देखा जाए ये स्मॉल डिस्प्लेस अगर होता है इस केस में तो ये एक एक ट्रायंगल की तरह आप अज्यूम कर सकते हो इस पार्ट को। तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो डी ए है और एरिया अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स से दिस इज आर वेक्टर, राइट। और ये वाला जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज वी, देन ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये वी डी टी के इक्वल होगा। तो ये वाला लेंथ वी डी टी को रिप्रेजेंट करेगी और ये वाला लेंथ आर को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब जो यहाँ पर जो एरिया आएगा वो आप लिख सकते हो आर वी डी टी, ठीक है, आर वी डी टी साइन थीटा बाई टू, क्योंकि जो ट्रायंगल है उसकी अगर साइड्स अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रखी है और ट्रायंगल का एरिया अगर आपसे पूछे तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी बाई टू लिखते हैं अपन। तो उसी वे से अगर इन दोनों के बीच में अगर एंगल सपोज थीटा है यहाँ पर,
ठीक है, ये आपको विजिबल हो रहा होगा शायद, थीटा है। तो इन दोनों के लिए बात करें, आर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दो, मोड लेंगे तो वैसे भी नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं यहां लिख सकता हूं आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर डीटी का मॉडुलस, ठीक है, तो बाय टू, इवन बाय टू भी आएगा, तो मोड लेंगे तो फिर वो सिंपली मैग्नीट्यूड में आएगा, तो आर वी डीटी बाय टू, ठीक है, आर वी डीटी बाय टू एंड इंटू में साइन थीटा, राइट। तो ये वैल्यू आ चुकी है, इसको मोड में रखना चाहो मोड में रख दो ताकि माइनस साइन नहीं आए। अच्छा, बाय डी टी, डी टी जो पार्ट है वो आप इस तरफ डिवाइड में ले आओगे तो इधर आ जाएगा डी टी, तो डी टी यहां से रिमूव हो गया। अब m का अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, m ऊपर m नीचे, तो डिवाइड में 2m आ गया और ऊपर आ जाएगा mvr sin थीटा। तो mvr sin थीटा की बात करें तो एग्जैक्टली एंगुलर मोमेंटम को बताएगा, क्योंकि देखो इस तरफ ये लीनियर मोमेंटम mv, mv का एक तो रेडियल डायरेक्शन में जो है वो कंपोनेंट आ जाएगा mv cos थीटा और एकदम परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा mv sin थीटा। तो mv sin थीटा जो है वो p परपेंडिकुलर, तो एंगुलर मोमेंटम p परपेंडिकुलर इनटू r या r perpendicular into p लिखते हैं, तो यहाँ पे p perpendicular मतलब mv sin theta into में r आ जाएगा, तो mv sin theta यहाँ पे present है, mv sin theta into में r, तो mv sin theta into r जो है वो l को represent करेगा, तो da by dt की value किसके equal आ जाएगी, l by 2m, तो ये direct आप याद रखिए, ठीक है, तो first option बेटा इसका correct हो जाएगा, बहुत conceptual चीज थी। चलिए next page पे चलते हैं हम। next question क्या कह रहा है, देखिए द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक ए सैटेलाइट टू ए हाइट एच अबव अर्थ सर्फेस, रेडियस गिवन है अर्थ की आपको, इज इवन एंड काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू बी इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट दिस हाइट इज ई टू, द वैल्यू ऑफ एच फॉर विच इवन एंड ई टू आर इक्वल इज, एच की वैल्यू पूछिए जब इवन और ई टू इक्वल है। तो पहली चीज तो आपसे पूछिए कि जो सैटेलाइट है उसको आप अर्थ सर्फेस से एच हाइट पे ले गए, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज इवन, ठीक है, तो अर्थ सरफेस से अगर आप एच हाइट पे लेके जाओगे तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सो इवन, इवन की जो वैल्यू आएगी बेटा उसको बड़ा सिंपली लिख सकते हो आप, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, राइट। यू इनिशियल जो है वो हमें मालूम है, यू इनिशियल की वैल्यू हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, और यू फाइनल जो है एच हाइट पे जब जाएंगे तो यू फाइनल कितना आएगा, माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच। थोड़ा लॉजिकली सोचना, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच की डिस्टेंस अगर स्मॉल आर है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, ठीक है। तो एक तो है अर्थ जिसका मास है कैपिटल एम और एक है सैटेलाइट जिसका मास है स्मॉल एम। तो अर्थ सर्फेस से आप अगर एच हाइट पे लेके जा रहे हो तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट हाइट एच इज माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच, दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल सैटेलाइट अर्थ सर्फेस पे था तो उसकी एनर्जी कितनी आएगी, माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस आर है लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल किया था आपने। तो ये है एनर्जी कहां पर, जब आप उसको एच हाइट पे लेके गए। अब ये कह रहा है कि ये एच हाइट पे ले जाने के बाद आपने उसको सर्कुलर ऑर्बिट में मेंटेन कर लिया, सर्कुलर ऑर्बिट मेंटेन करोगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वहां पर वो ई टू है, तो हमें पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है सैटेलाइट की सेंटर से डिस्टेंस अगर आर है तो वो होती है जी एम स्मॉल एम बाय टू आर, राइट, क्योंकि टोटल एनर्जी माइनस जी एम स्मॉल एम बाय टू आर होती है, तो उसका मॉडुलस जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट बेटा। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी हमारे पास जी एम स्मॉल एम बाय टू आर, आर सेंटर से डिस्टेंस है तो एच हाइट पे है तो आर प्लस एच हो जाएगा, काफी सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो जी एम स्मॉल एम, जी एम स्मॉल एम यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ये 1 बाई टू आर प्लस एच है, ये 1 बाई आर प्लस एच है नेगेटिव में, इसको इधर ले आओ, ले आओ, यहां पर 1 बाय आर है बेटा, तो ये आ जाएगा 1 बाय आर प्लस एच एंड 1 बाई टू आर प्लस एच आ जाएगा 3 बाई टू आर प्लस एच, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरफ, सो 2R प्लस 2H इज इक्वल टू 3R, सो R इक्वल्स टू 2H, देन H इक्वल्स टू R बाई टू, तो जो हाइट है वो एग्जैक्टली रेडियस जो है अर्थ की उसका हाफ होगा, आर बाई टू के इक्वल होगा, एंड आर इज 6.4 इन 10 टू द पावर 3, इसका इसका हाफ कितना हो जाएगा 3.2 इन 10 टू द पावर 3 किलोमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए सैटेलाइट इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड वी इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है,
An object of mass m is ejected from the satellite such that it just escapes from the gravitational pull of the earth. At the time of ejection, the kinetic energy of the object is. ठीक है, kinetic energy आपसे पूछी object की, right बेटा? तो चलिए देखते हैं अपन. तो ये है अर्थ, करेक्ट, और अर्थ के अराउंड जो है जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है. तो ये अर्थ है, अर्थ का मास हमने कैपिटल एम अज्यूम कर लिया, ठीक है, और अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर सपोज ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है बेटा वी स्पीड से, है ना, सैटेलाइट वी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है. तो अगर सैटेलाइट वी स्पीड से अगर यहां रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब इस सैटेलाइट के पास जो टोटल एनर्जी है वो अपन फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वी. तो यहां पर सैटेलाइट के पास टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का मतलब नेगेटिव टाइम्स होगा. मतलब सैटेलाइट कोई भी मास मान लीजिए स्मॉल एम है सैटेलाइट का या एम एस है, तो सैटेलाइट की यहां पर अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होगी सैटेलाइट की बात करें तो, ठीक है, सैटेलाइट की बात करें, और सैटेलाइट से आपने स्मॉल एम मास का एक पार्टिकल इजेक्ट किया है तो स्मॉल एम मास भी इसके साथ होगा अभी, स्मॉल एम मास भी इसके साथ होगा अभी. तो स्मॉल एम मास जो है, क्या हम इस स्मॉल एम मास की पोटेंशियल एनर्जी यहां पर फाइंड कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पता है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का 2 times होगा और वो भी विद माइनस साइन. तो ये आपको रिलेशन अच्छे से पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर होगा, काइनेटिक एनर्जी जी एम स्मॉल एम बाय 2r के इक्वल होगा. तो काइनेटिक एनर्जी का जस्ट 2 times है पोटेंशियल एनर्जी, बट विद माइनस साइन, माइनस साइन भी यहां पे आना चाहिए, ठीक है. तो अगर यहां पर स्पीड v है तो मैं आपसे पूछूं कि इस पार्टिकल की, जो पार्टिकल आपने इजेक्ट किया, इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो पोटेंशियल जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, u इज इक्वल टू 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसका 2 times विद माइनस साइन, तो माइनस एम वी स्क्वायर. सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इजेक्टेड पार्टिकल एट दिस पोजिशन इज माइनस हाफ एम वी स्क्वायर. अब आपने क्या करना है, इसकी इसको काइनेटिक एनर्जी देनी है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी बतानी है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए जिससे एस्केप कर जाइए, इन्फिनिटी पे चला जाए. तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो फाइनल एनर्जी सारी की सारी जीरो लेनी है अपन को. इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी अगर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर है तो इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी हम ऐड करें जिससे कि टोटल एनर्जी कितनी हो जाए, जीरो जाए. सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इजेक्टेड पार्टिकल एट दिस पोजिशन शुड बी एम वी स्क्वायर, ताकि वो पार्टिकल इन्फिनिटी पे चला जाए बेटा. तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, यहां से थर्ड ऑप्शन एम वी स्क्वायर. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये पूछा गया था. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. आइए देखिए, टू स्टार्स ऑफ मासेस 3×10^31 केजी ईच एंड एट ए डिस्टेंस 2×10^11 meters, ठीक है, रोटेट इन ए प्लेन अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास ओ. तो दो स्टार्स हैं जिनके मास गिवन है आपको और उनके बीच की डिस्टेंस भी आपको गिवन है, और वो दोनों जो हैं वो खुद का जो कॉमन सेंटर है या जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट रिवॉल्व करेंगे. तो ऑब्वियसली आइडेंटिकल हैं दोनों के दोनों, तो सेंटर ऑफ मास भी डेफिनेटली मिड में होगा. ए मीटोराइट पासिस थ्रू ओ मूविंग परपेंडिकुलर द स्टार्स रोटेशन प्लेन इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस डबल स्टार. The minimum speed that meteorite should have at O is, ठीक है, सारी values अपन को दे रखी है यहां पर और हमें इसका correct answer देना है. तो देखो दो stars हैं यहां पर बेटा, दो तारे हैं, इनका mass capital M आपको given भी है और इन दोनों का जो center of mass होगा mid में होगा, और ये डिस्टेंस अगर मैं r अज्यूम करूं तो ये भी r होगी और r जस्ट 2×10^11 का हाफ होगा, मतलब 10^11 होगा r. यहां पर कोई मीटियोराइट है, राइट, इस मीटियोराइट का मास स्मॉल m मान लीजिए, तो आपसे पूछा है कि सेंटर पॉइंट O पर इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए जिससे कि वो स्केप कर जाए. स्केप करने का मतलब इन्फिनिटी पे चला गया और इन्फिनिटी पे हमें पता है बेटा कि टोटल एनर्जी इस मीटियोराइट की कितनी होगी, जीरो हो जाएगी, राइट.
अब इसको सॉल्व करने का सिंपल वे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर दीजिए। तो जब ये मीटोराइट यहां पे था, सेंटर पॉइंट पे था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी होगी? तो एक तो इस कैपिटल एम के कारण यहां पर पोटेंशियल आएगा, एक इस कैपिटल एम के कारण यहां पे पोटेंशियल आएगा। तो किसी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकल की पूछे ना, तो उस पोजीशन पर जो दूसरे स्टार्स हैं या दूसरे जो भी पार्टिकल्स हैं उनके कारण वहां पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर लो बेटा। तो इस एम मास के यहां पे पोटेंशियल कितना आएगा? माइनस जी एम बाय आर, ये इस एम मास के कारण आया। इस वाले स्टार के कारण भी सेम ही पोटेंशियल आएगा, टू हो गया पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल को आप क्या कीजिए, स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए स्मॉल एम मास से, ताकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाए। अब इस पोटेंशियल एनर्जी में आपको काइनेटिक एनर्जी ऐड कर देनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल की, ताकि टोटल एनर्जी कितनी हो जाए, जीरो हो जाए बेटा। तो ये एम से एम यहां से हट जाएगा और हमें यहां पर वी की वैल्यू पूछिए बेटा। वी बराबर कितना है, देखो ये टू इधर चला जाएगा, तो टू मतलब फोर जी एम बाय आर का अंडर रूट, राइट। तो इसको सॉल्व करें तो फोर का तो अंडर रूट टू हो जाएगा यहां पर, टू बेटा बाहर आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू टू एंड अंडर रूट जी एम बाय आर। जी की वैल्यू 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 है और मास जो है बेटा वो आपको गिवन है 3 × 10⁻³, है ना, और r जो है वो मैंने बोला था आपको हाफ हो जाएगा इसका 10⁻¹, करेक्ट 10⁻¹। इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा, तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आएगी 2.8 × 10⁵, ठीक है। वैसे 10⁵ दो में ही मिल रहा है ना, तो वो आप थोड़ा जज कर सकते हो यहाँ पर चाहो तो। तो ये 11 है तो ये 31 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 20 बचेगा, ये 11 है तो ये 9 बचेगा, 10⁹, 10⁹ है तो ये 6.67 × 3 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 के अराउंड या 20 से लेस आएगी वैल्यू, ठीक है, और इंटू में 10⁹ है, तो एक जो 2 है ऑलमोस्ट रूट टू इंटू 10⁻¹ हो जाएगा, 10⁻¹ का अंडर रूट जो है वो सीधी सी बात 10⁵ आ जाएगा, रूट टू इंटू 2 लगभग या जो भी है ऑलमोस्ट इसके पास ही है, हल्का फुल्का कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाकी ऑलमोस्ट आप आइडिया लगा सकते हो। v की वैल्यू आ जाएगी बट हमारे पास 2.8 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। तो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच वीक नहीं रहनी चाहिए, बाकी कैलकुलेशन जो है जेई मेंस में बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं कई बार, ठीक है, तो आपकी अप्रोच जो है थोड़ा फास्ट रहनी चाहिए और आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए बेटा, तो कैलकुलेशन को सुधारो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे बेटा। क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए बेटा। ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए हाइट h फ्रॉम द अर्थ सर्फेस सच दैट h इज वेरी वेरी लेस देन r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। Assuming that the effect of the Earth's atmosphere can be neglected, the minimum increase in the speed required so that the satellite could escape from the gravitational field of the Earth is. तो ये अर्थ के काफी नजदीक जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब h को आप इग्नोर कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट r रेडियस के सर्कल में ही घूम रहा है, जहां पे r जो है वो अर्थ की रेडियस है बेटा, ठीक है। तो अर्थ की रेडियस अगर r है तो सेटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी? तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, सेटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं? एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू जी एम इंटू स्मॉल एम बाय आर, आर स्क्वायर। तो वहां से अगर आप सोल्व करोगे तो वी की जो वैल्यू आती है दैट इज अंडर रूट जी एम बाय आर, ये ऑर्बिटल स्पीड है। और एस्केप वेलोसिटी अगर आपसे पूछे तो एस्केप वेलोसिटी हमें मालूम है अर्थ सरफेस पे कितनी होती है, अंडर रूट टू जी एम बाय आर। अच्छा आर जो है वो ऑलमोस्ट कैपिटल आर के इक्वल है, तो ये भी कैपिटल आर हो जाएगा बेटा, है ना, और gm की जो वैल्यू है वो स्मॉल जी आर स्क्वायर की इक्वल होती है, gm इक्वल्स टू स्मॉल जी आर स्क्वायर, क्योंकि आंसर जो g की टर्म्स में दे रखा है आपको, तो स्मॉल जी आर स्क्वायर यहां पे भी रख दोगे, यहां पे भी रख दोगे, तो यहां से वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट जी आर, और यहां से वैल्यू कितनी है, अंडर रूट टू जी आर, है ना, ये वैल्यू आ चुकी है। अब ये कह रहा है कि कितनी चेंज की जाए वेलोसिटी के अंदर, तो वेलोसिटी में कितना चेंज होना, इसके वेलोसिटी के लिए वैल्यू इतनी होनी चाहिए और ऑर्बिटल स्पीड ये इतनी है, तो चेंज कितना आएगा, ve माइनस vo, तो इसमें से ये सबट्रैक्ट करोगे अगर आप, तो रूट टू माइनस वन अंडर रूट जी आर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर सिक्स. ओके, द मास एंड द डायमीटर ऑफ ए प्लेनेट आर थ्री टाइम्स द रेस्पेक्टिव वैल्यूज फॉर द अर्थ. ओके, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ इज 2 सेकेंड. द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सेम पेंडुलम ऑन द प्लेनेट वुड बी. ठीक है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए आपको बेटा सबसे पहले सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन का जो फॉर्मूला होता है ना टाइम पीरियड के लिए वो पता होना चाहिए. टी इक्वल टू 2π√L/g होता है, रूट एल बाई जी. अच्छा, लेंथ में तो कोई चेंज किया नहीं हमने प्लेनेट पर, जी में ही तो चेंज आएगा. इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल टू 1/√g है. और जो जी होता है उसकी वैल्यू बेटा, जैसे हमें यहां पर प्लेनेट का मास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, इसका मतलब मास और डायमीटर या रेडियस की बात करें तो जी की वैल्यू आप मास और रेडियस की टर्म्स में ऐसे लिख सकते हो ना. सो जी जो है वो m/r² के प्रोपोर्शनल होता है. तो यहां से बेटा अगर मैं प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से देखूं तो टी प्रोपोर्शनल टू 1/√g एंड जी प्रोपोर्शनल टू m/r² ना, तो रूट जी प्रोपोर्शनल टू √m/r. तो रूट जी प्रोपोर्शनल टू √m/r, तो √m/r तो r ऊपर चला गया, तो r/√m ना ये. ठीक है, तो अब इसमें आप रिलेट कर सकते हो. जैसे t1 है अर्थ की सरफेस पे, 2 है प्लेनेट की सरफेस पे, t अज्यूम कर लिया बराबर, अर्थ सरफेस रेडियस r है, मास √m, ठीक है मास m है. अच्छा, डिवाइड में अगर हम बात करेंगे तो प्लेनेट जो है द मास एंड द डायमीटर ऑफ प्लेनेट आर थ्री टाइम्स, दोनों थ्री टाइम्स है, डायमीटर थ्री टाइम्स, रेडियस भी थ्री टाइम्स होगी. तो मतलब r जो है वो भी थ्री टाइम्स है, सही है, r थ्री टाइम्स है और जो मास है वो भी थ्री टाइम्स है. तो मास ऊपर जाएगा तो 3m, मास भी थ्री टाइम्स हो गया बेटा. तो यहां से देखो r से r कैंसिल आउट हुआ, m से m कैंसिल आउट हुआ, रूट थ्री है तो ये इससे कट जाएगा, 1/√3 बचेगा. तो t जो है, t की वैल्यू अगर हमसे पूछे तो t बराबर कितना आ जाएगा बेटा, t बराबर आ जाएगा √3 यहां पे 3 था ना, 3 और √3, तो t इक्वल टू 2√3 सेकेंड आ जाएगा. ठीक है, चलिए हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए. ए स्ट्रेट रोड ऑफ लेंथ l एक्सटेंड्स फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू l+a. द ग्रेविटेशनल फोर्स इट एक्सर्ट्स ऑन ए पॉइंट मास m एट x इक्वल टू 0 इफ द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड इज a+bx² इज गिवन बाय. ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड हमें गिवन है और हमें x बराबर 0 पर जो पॉइंट मास दे रखा है उस मास पे लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करना है बेटा. ठीक है, तो सिंपल सा प्यारा सा ये क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं. तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पर x बराबर 0, यहाँ पर ये मास प्रेजेंट है बेटा, m मास, और यहाँ पर जो रॉड है वो रॉड हमें गिवन है. ठीक है, तो रॉड की जो पोजीशन है, रॉड को हम कुछ इस टाइप से बना देते हैं, ये लो जी. चलिए बेटा, तो रॉड के जो एंड्स हैं उनको देखिए, एक तो x बराबर a पर प्रेजेंट है, मतलब ये वाले डिस्टेंस a है, और रॉड की जो लेंथ है वो l के इक्वल है बेटा. इसका मतलब जो अदर एंड है रॉड का वो a+l डिस्टेंस पर है फ्रॉम ओरिजिन. तो इस रॉड के कारण हमें इस पे फोर्स पूछा है. ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ जो है रॉड का वो लैम्डा गिवन है बेटा. तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस रॉड पर बेटा हम एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, एक एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, और इस एलिमेंट की इस पॉइंट मास से जो डिस्टेंस है वो मैंने एक्स कंसीडर कर ली, और एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इस एलिमेंट का जो लेंथ है या जो विड्थ है वो मैंने डीएक्स कंसीडर कर ली. राइट बेटा, एक्स में होने वाला चेंज, स्मॉल चेंज डीएक्स. तो उस डीएक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग का जो मास है डीएम वो कितना आएगा, डीएम इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डीएक्स. यूनिट लेंथ में मास कितना है लैम्डा, तो डीएक्स लेंथ में मास ऑब्वियसली लैम्डा इंटू डीएक्स आएगा. तो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट इस स्मॉल एम पर फोर्स लगाएगा, इस तरफ अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, और ये जो फोर्स होगा डीएफ होगा, ऑब्वियसली एलिमेंट लगा रहा है, और जितने भी एलिमेंट्स यहां पर प्रेजेंट होंगे वो इस पॉइंट मास पर फोर्स इसी तरफ लगाएंगे, सेम डायरेक्शन लगाएंगे, तो सारे फोर्स ऐड हो जाएंगे. तो इसका मतलब एडिशन मतलब इंटीग्रेशन. तो सबसे पहले हम इस पार्टिकल के कारण वहां पर उस पार्टिकल पर फोर्स फाइंड आउट करते हैं. तो डीएफ आ जाएगा हमारे पास स्मॉल मास के कारण, एलिमेंट के कारण फोर्स कितना आएगा, जी उसका मास एम है और इसका मास डीएम है, और डीएम कितना है, लैम्डा डीएक्स, लैम्डा डीएक्स राइट, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है इसकी यहां से एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, करेक्ट, एक्स स्क्वायर आ गया बेटा. तो ये फोर्स आ चुका है और लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है a+bx², आप ये लैम्डा की वैल्यू यहां रख सकते हो, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बेटा. एक्स की लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट आ जाएगी a इस तरफ और अपर लिमिट आ जाएगी a+l, तो a से a+l तक ये इंटीग्रेशन चलेगा. तो a टू
ए प्लस एल, ठीक है। तो डीएफ का इंटीग्रेशन एफ आ जाएगा यहां पर, बाकी जी एम और लैम्डा, ये तीनों लैम्डा में जो है वो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर है, तो उसको बाहर लेंगे, तो जी एम इंटीग्रेशन ये आ जाएगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू डी एक्स, और यहां आ जाएगा बेटा ए टू ए प्लस एल। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा, तो इसको मैं रब कर देता हूं मैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू देखो कितनी आएगी, जी एम राइट, तो ए बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ए बाय एक्स स्क्वायर का जाएगा माइनस का ए बाय एक्स, माइनस का ए बाय एक्स, और फिर लिमिट अगर आप पॉजिटिव करना चाहो तो लिमिट इंटरचेंज कर दीजिए, तो ए बाय एक्स, ठीक है, ए बाय एक्स पहले ए आ जाएगा, है ना, फिर माइनस ए बाय ए प्लस एल, करेक्ट। इसको आप लिख सकते हो यहां से, ए कॉमन बाहर आ जाएगा, फिर प्लस बी एक्स स्क्वायर में केवल बी बचेगा, बी डी एक्स का बी एक्स हो जाएगा, और अपर लिमिट ए प्लस एल है, तो बी एक्स और ए प्लस एल माइनस ए, ठीक है, तो बी इंटू में एल, तो ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो तो यहां से हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन, कोई हाई फाई भी नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए सैटेलाइट ऑफ मास m इज इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल r अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके। ए मीटियोराइट ऑफ सेम मास फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ कोलाइड्स विद द सैटेलाइट कंप्लीटली इनइलास्टिकली, द स्पीड्स ऑफ द सैटेलाइट एंड द मीटियोराइट आर द सेम, ओके, जस्ट बिफोर द कॉलिजन द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द कंबाइंड बॉडी विल बी, ठीक है। तो बेटा जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा था, है ना, तो ये अर्थ है और यहां पर ये सैटेलाइट है, राइट। चलो इसमें कलर फिल कर देते हैं, तो अर्थ के राउंड जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है बेटा, तो आपको विजिबल होगा ये, और सैटेलाइट की वेलोसिटी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो वी है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है ये। हमें इतना तो मालूम है कि अगर कोई सैटेलाइट अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी स्पीड को अगर रूट टू टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए या रूट टू टाइम्स कर दिया जाए तो वो डेफिनेटली एस्केप कर जाता है, ठीक है, वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा फाइनली। उसके अलावा अगर स्पीड जो है वो रूट टू वी से अगर कम है तो उस केस में एस्केप नहीं करेगा वो, उसका जो पाथ है वो पाथ चेंज हो सकता है, वो सर्कुलर से क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल हो जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो ये मीटियोराइट आ रहा है यहाँ पर, इस सैटेलाइट का मास एम है और मीटियोराइट जो है उसका भी मास सेम है, और फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, इसका मतलब जैसे अभी अगर सैटेलाइट की पोजिशन ये वाली है बेटा, तो मीटियोराइट पक्का पक्का यहाँ पे होगा और मीटियोराइट की वेलोसिटी भी उस सैटेलाइट की तरफ होगी और सेम स्पीड होगी और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, कहीं ना कहीं अर्थ के सेंटर की तरफ ही आ रहा है, और कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये दिया गया है यहां पर, कंप्लीटली इनइलास्टिक है, तो मोमेंटम तो डेफिनेटली कंजर्व होगा। तो अगर इन दोनों का मास अगर m है बेटा, ठीक है, इन दोनों का मास m है, तो इसका मोमेंटम mv जस्ट बिफोर कोलिजन, इसका मोमेंटम इस तरफ mv, राइट, या इसको आप अगर x डायरेक्शन अज्यूम करो, इसको y अज्यूम कर लो, चलो तो mv i cap और ये नीचे वाले को j cap मान लो, तो mv j cap, तो इनिशियल मोमेंटम इज mv i cap प्लस mv j cap, बराबर दोनों स्टिक कर जाएंगे तो नेट मास कितना आ जाएगा 2m, तो 2mv वेक्टर, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, समझ में आ रही बात, तो mv i cap प्लस mv j cap इज इक्वल टू 2mv वेक्टर, m से m कट जाएगा, तो v वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v i cap प्लस v j cap बाय 2, और इसका मॉडुलस अगर निकाला जाए, मॉडुलस अगर निकाला जाए तो वो आता है v बाय 2 तो बाहर आ जाएगा, और v i cap प्लस v j cap का मॉडुलस कितना आएगा, रूट टू वी, रूट टू वी ना, तो रूट टू वी मतलब v बाय रूट टू। तो क्या स्पीड एस्केप वेलोसिटी के बराबर जा रही है, ना, स्पीड तो पहले से कम होगी, उल्टा स्पीड जो है वो पहले से ही कम होगी ना, पहले सैटेलाइट की स्पीड v थी, अब v बाय रूट टू होगी, स्पीड अगर v बाय रूट टू तो ऑब्वियसली पाथ मतलब पार्टिकल जो है वो एस्केप तो करेगा नहीं,
और सर्कुलर हो नहीं सकता, क्योंकि सर्कुलर के लिए यहां पर v के बराबर होना चाहिए। तो अगर v से अगर स्पीड कम हो गई, अगर जीरो हो जाती स्पीड तो सीधा आ जाता स्ट्रेट लाइन, तो कम हुई है ना, तो उस केस में बेटा अब ये अटैच हो चुका है इसके साथ, ठीक है। आप ये मान के चलिए इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये सैटेलाइट प्लस मीटोराइट है, दोनों हैं ये मान के चलो, और अटैच हो गया है, तो इसकी स्पीड अब कम हो चुकी है। स्पीड कम होने का मतलब अब ये सर्कुलर ऑर्बिट में यहां पे चक्कर नहीं लगाएगा, यहां पे स्पीड कम है तो ये जो सैटेलाइट है वो कुछ इस टाइप से मूव करेगा, देखो ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट। तो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता हुआ नजर आएगा अपन, है ना। ये नियरेस्ट वाली डिस्टेंस होगी, ये फार्देस्ट वाली डिस्टेंस होगी बेटा, इलिप्टिकल पाथ में ये रिवॉल्व करेगा। तो इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो अब आप इसको प्रॉपरली देख सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। इन ए सर्कुलर ऑर्बिट और डिफरेंट रेडियस नहीं, सच दैट इट एस्केप्स टू इन्फिनिटी नहीं, इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट डेफिनेटली बेटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इन ए सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड यू आर इक्वल्स टू 1/2 kr² इफ बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशंस आर अप्लाइड, रेडाई ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स एंड एनर्जी लेवल्स वेरी विद क्वांटम नंबर ns। तो ये क्वांटम फिजिक्स का या मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन इसके अंदर आ चुका है, तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। वैसे सर्कुलर पाथ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है बेटा u इक्वल्स टू 1/2 kr², राइट। आर के और पार्टिकल आर रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है बेटा, पार्टिकल जो है वो आर रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये ग्रेविटेशन बेस्ड भी ऐसा बन सकता है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kr² है आपके पास, तो आर के साथ अगर पोटेंशियल एनर्जी वैरी कर रही है तो इस पार्टिकल की के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। एंड फोर्स एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ डीयू बाय डीआर, इसको डिफरेंशिएट करो बेटा अगर आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के आर, फोर्स आ गया, फोर्स नेगेटिव मतलब टुवर्ड सेंटर जो है इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है बेटा, है ना। इस पार्टिकल का मास मान लीजिए m है, तो इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है एफ, और इसी एफ के कारण इसी फोर्स के कारण ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो फोर्स है यही तो सेंट्रिपेटल फोर्स जनरेट कर रहा है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड के आर के इक्वल है, और यही सेंट्रिपेटल फोर्स है, इसका मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल है, राइट। तो यहां से बेटा आप ये कह सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ऑब्जेक्ट की, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, देखो के आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि r इधर मल्टीप्लाई होगा, के आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, देन काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर बाय 2 ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आई है, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kr² है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दें तो इस पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है इसकी टोटल एनर्जी जो है e, वो के आर स्क्वायर बाय 2 प्लस के आर स्क्वायर बाय 2 मतलब के आर स्क्वायर के इक्वल आ गई, है ना, के आर स्क्वायर के इक्वल आ गई। और बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशंस आर अप्लाइड, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन कंडीशन आपको पता होना चाहिए, तो जो बोर के जो पोस्टुलेट्स थे उनके अंदर ये चीज आती है कि जो पार्टिकल रिवॉल्व करता है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर वो बेटा एन एच बाय 2 पाई के इक्वल होना चाहिए। सो और यहां से देखो एक चीज इंटरेस्टिंग चीज, 1/2 mv² बराबर के आर स्क्वायर बाय 2, राइट। तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ना, तो वी प्रोपोर्शनल टू आर है। इस रिलेशन से अपन डायरेक्ट क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को देखें केवल, तो वी प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, तो अगर वी प्रोपोर्शनल टू आर अगर यहां रख दूं मैं, इसका मतलब आर स्क्वायर हो गया ये, सो आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एन। तो अगर आर स्क्वायर एन के प्रोपोर्शनल है तो आर रूट एन के प्रोपोर्शनल हो गया, और यहां पर ई जो है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ई जो है वो आर स्क्वायर मतलब एन के प्रोपोर्शनल हो गया। तो जो एनर्जी है वो एन के प्रोपोर्शनल है और जो आर है वो रूट एन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो उसमें अगर अपन देखें बेटा तो इसका फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरह से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके आइए, टू सैटेलाइट्स ए एंड बी हैव मासेस m एंड 2m रेस्पेक्टिवली, ए इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड b इज इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r अराउंड द अर्थ, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज Ta by Tb is, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा आपसे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो बेटा, काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट के लिए बड़ी सिंपल वे से दी जाती है, जी एम, एम होता है अर्थ का मास या प्लेनेट का मास, इनटू में स्मॉल एम जो कि सैटेलाइट का मास है, बाय 2 आर, राइट। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी टी ए और टी बी से इसको रिप्रेजेंट किया है, ये कह रहा है कि ए और बी है, हैव मासेस एम एंड टू एम, इसका मतलब
TA बाई TB आपको फाइंड आउट करना है यहां पर। TA की बात करें, अच्छा जी एम और टू तो वो तो कट जाएगा, तो रेशियो आएगा वो तो अर्थ के लिए प्लेनेट के लिए सेम होगा। M आ रहा है, मास आ रहा है, तो A के लिए मास M है, ठीक है, और डिवाइड करोगे TB को तो B का जो मास है वो 2m है, ठीक है। अब डिवाइड में आएगा R, सबसे पहले A का आएगा R, A इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ R, तो एक R रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, और जो B जो है वो 2R रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो B के लिए R कहां जाएगा, ऊपर 2R, तो ये R से R कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2, m से m, कितनी वैल्यू है बेटा 1:1, तो TA by TB equals to 1:1, तो ये हमें सेकंड ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। काफी सिंपल सा ये क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को रीड कीजिए बेटा। फोर आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास कैपिटल M आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, व्हाट शुड बी द स्पीड इफ ईच ऑफ देम रिवॉल्व्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर ग्रेविटेशन फील्ड इन द सर्कुलर ऑर्बिट सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर, ठीक है। तो ये चार आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, राइट बेटा, आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम। तो इन फोर पार्टिकल्स के कारण, अब यहां पर मैं ड्रॉ नहीं करने वाला, इन फोर पार्टिकल्स के कारण ये पार्टिकल, सपोज यहां पर है एक पार्टिकल, एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, और एक पार्टिकल यहां पर है, ये चारों पार्टिकल्स बेटा खुद के जो ग्रेविटेशनल फोर्स, म्यूचुअल जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके इन्फ्लुएंस में सारे के सारे सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, इसी सर्कुलर ऑर्बिट में। इनका मतलब, इसका मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही है। तो गिवन कंडीशन के लिए बात करें, अगर मान लीजिए ये जो रेडियस है इस सर्कल की वो आपको दे रखी होगी, सॉरी भुजा एक एक वर्ग, ओके, तो जो स्क्वायर आपको दे रखा है यहां पर, स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो एक इक्वल है, ये स्क्वायर है, साइड लेंथ ये है बेटा, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जो ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल पे फोर्स इस तरफ लगाएगा, उस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मास मान लीजिए इसका एम है, सभी पार्टिकल का मास एम आपको गिवन है वैसे, तो ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये वाला भी फोर्स कितना लगाएगा जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इस तरफ, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा, आएगा ना इस तरफ आएगा, उस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो रूट टू टाइम्स आ जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो रिजल्ट है वो मैंने इस तरफ ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो जो फोर्थ चार्ज है वो भी तो इसी तरफ फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस जी एम स्क्वायर, एम इंटू एम, एम स्क्वायर बाय ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस कितनी है रूट टू ए, रूट टू ए स्क्वायर मतलब टू ए स्क्वायर, ये फोर्स आ गया, ये फोर्स इस पार्टिकल पर लग रहा है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, और उसके कारण ही ये सर्कल में घूम पा रहा है, और ऑर्बिटल स्पीड जो है वो मान लीजिए v के इक्वल है, तो यही तो सेंट्रिपेटल फोर्स को जनरेट करेगा बेटा, सेंट्रिपेटल फोर्स कितना आएगा यहां पर, यही तो है सेंट्रिपेटल फोर्स, व्हिच इज इक्वल टू m इनटू v स्क्वायर बाय r, r है बेटा रेडियस ऑफ सर्कल, तो जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस आपसे पूछे तो रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, a बाय रूट टू, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये r है, ये r है, तो रूट टू आर इक्वल टू ए, देन आर इक्वल टू ए बाय रूट टू, तो एम वी स्क्वायर बाय आर मतलब ए बाय रूट टू, तो रूट टू ऊपर चला जाएगा बेटा, ठीक है, ये वैल्यू यहां पे आ चुकी है, तो यहां से आप एम 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 कैंसिल आउट कर सकते हो, ये ए भी यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा एक, देखो ठीक है। बाकी बेटा थोड़ा कैलकुलेशन है यहां पर, रूट टू से अगर आप डिवाइड कर दो, रूट टू से रूट टू यहां पे कट गया, केवल जी एम बाय ए आया, इसमें देखा जाए तो 1/2 रूट टू आ गया, यहां पर भी जी एम बाय ए है ना, और बराबर वी स्क्वायर आ गया, तो यहां से जी एम बाय ए जो है वो बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट भी कर दो वी स्क्वायर आइए, तो अंडर रूट करोगे तो इस तरफ तो जी एम बाय ए का अंडर रूट आ ही जाएगा, उसके अलावा अंडर रूट के अंदर और क्या बचेगा, 1+1/2√2 होल पावर 1/2, तो 1+1/2√2 होल पावर 1/2, और अंडर रूट में जी एम बाय ए, और इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.16 अंडर रूट जी एम बाय, तो ये आपको खुद को कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ओके, देखिए, ए रॉकेट हैज टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ इन सच ए वे दैट इट नेवर रिटर्न्स, इसका मतलब इसके वेलोसिटी से आपको लॉन्च करना है, इफ इज द मिनिमम एनर्जी डिलीवर्ड बाय द रॉकेट लॉन्चर, व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी दैट द लॉन्चर शुड हैव इफ द सेम रॉकेट इज टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मून, ओके, अज्यूम दैट द डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड द मून आर इक्वल एंड दैट द अर्थ वॉल्यूम इज 64 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ मून, ये डाटा आपको दे रखा है, इसका मतलब जो ई है ना वो मिनिमम एनर्जी है जिससे कि वो एस्केप कर जाए, प्लान कर जाए, तो मिनिमम एनर्जी बेटा कितनी होनी चाहिए, आप थोड़ा लॉजिकली सोचना, सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना दैट इज जी एम स्मॉल एम बाय आर,
माइनस, एम है प्लेनेट का मास, स्मॉल एम है उस रॉकेट या सैटेलाइट का मास जो भी है जिसको अपन लॉन्च करने वाले हैं, और उतनी की उतनी अगर आप काइनेटिक एनर्जी दे दोगे और टोटल जीरो हो जाए इन्फिनिटी पे, वहीं से तो स्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करते हो आप। हालांकि हम स्केप वेलोसिटी में नहीं जा रहा, हमें तो एनर्जी पे जाना है, तो मिनिमम एनर्जी यहाँ पे इसने ई दे रखी है, मतलब ये जो के है ना ये ई के इक्वल है, राइट बेटा? तो यहाँ पर ये ई के इक्वल है, इज इक्वल टू जीरो अगर ये प्लेनेट अर्थ है तो। लेकिन अगर मून पे हो तो हमें ई कितना देना पड़ेगा उसके बारे में पूछा है इसने। तो ये इसमें हमें एक्स्ट्रा चीजें क्या दे रखी हैं कि डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड मून सेम है, तो मास को हम उस वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अर्थ का जो वॉल्यूम है 64 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ मून है। तो अर्थ की रेडियस अगर मैं कैपिटल आर अज्यूम करूं तो अर्थ का वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 πr³, और मून की अगर रेडियस स्मॉल आर कंसिडर कर लूं तो मून का वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 πr³, और इसका 64 टाइम्स है अर्थ का जो वॉल्यूम है। 4/3 π, 4/3 π कैंसिल आउट हो गया, देन वी हैव r इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 4³ ना, तो r इक्वल्स टू r/4 आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ मून इज r/4, तो मून की जो रेडियस है वो r/4 के इक्वल है बेटा। तो यहां से अगर हम देखें, अच्छा मास को भी देखना है हमें, मास को भी देखना है क्योंकि डेंसिटी सेम ली है यहां पर। तो मास क्या होता है, मास होता है जी प्रोपोर्शनल टू, या मास बराबर रखें अपने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी तो दोनों के लिए सेम रखेंगे अपन, तो रो इंटू में वॉल्यूम, मतलब 4/3 πr³, 4/3 πr³, तो ये मास हो गया है ना। तो अर्थ का मास तो कैपिटल एम है, मून का मास मैं एम डैश अज्यूम कर लेता हूं, और मून की रेडियस जो है वो r/4 है, तो इसका मतलब r/4³ आएगा ना यहां पर, अगर मून का मास अगर मैं देखूं तो मून का मास एम डैश कितना आएगा, रो इंटू 4/3 π r/4³, तो इसका मतलब r/64 हो जाएगा, मतलब m/64 हो जाएगा मास। तो जो मून का जो मास है बेटा वो m/64 के इक्वल है ना, m/64 के इक्वल है। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अब बड़ा आसान है, देखिए मून के लिए चलो, माइनस जी एम डैश, एम डैश फॉर मून इज m/64, ठीक है, स्मॉल m तो उसी रॉकेट का मास है तो वो तो सेम रहेगा, और r जो है वो r/4 के इक्वल है बेटा, और प्लस में e डैश इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से अगर आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 16, और इसकी जो वैल्यू है gm/R की वैल्यू, इसको उधर लेके जाओ तो e के बराबर आ जाएगा, तो ये e बाय 16 आ गया, वो भी माइनस का, तो e डैश जो है वो आ जाएगा प्लस का e/16। तो इसमें देखो प्लस का e/16 कहां पे है, तो फर्स्ट ऑप्शन बेटा e/16 हमें मिल रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चले अपन। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस ए इज सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस 2a एंड मास 2m। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले ए रेडियस का स्फीयर है, ठीक है, ए रेडियस का स्फीयर है, इसको फिल कर दिया। फिर ये हमें कह रहा है कि is surrounded by a uniform concentric spherical shell, okay, of thickness 2a and mass 2m, right? मतलब इसी के अराउंड ही एक जो है वो शेल ले रखा है। तो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हल्का सा, पहले इसको फिल कर देते हैं हम। ओके, तो कुछ इस टाइप से ये सिस्टम है आपके पास, ठीक है। तो बेटा ये रेडियस ए है, ध्यान से देखना, और ये थिकनेस 2a है, इसका मतलब सेंटर से डिस्टेंस कितनी आ गई, 3a है ना, ये समझना है इसको, ध्यान से समझना। इसका मास कितना है, 2m है, जो इसके अराउंड जो लेयर है ना, 2a थिकनेस की लेयर, इसका मास 2m है, और अंदर वाले का मास आपको दे ही रखा है जो कि कैपिटल एम है। द ग्रेविटेशन फील्ड एट डिस्टेंस 3a फ्रॉम द सेंटर विल बी, ये लो यहां पे ग्रेविटेशन फील्ड आपसे पूछा है बेटा इस पोजीशन पे, ठीक है। तो इस पोजीशन पे ग्रेविटेशन फील्ड कितना आएगा, तो सीधी सी बात है, इस अंदर वाले स्फीयर के कारण ये डिस्टेंस कितनी 3a है ना, तो अंदर वाले स्फीयर के कारण यहां पर फील्ड कितना आएगा, जी एम बाय सेंटर से डिस्टेंस कितनी 3a, तो 9a² आ गया ना अंदर वाले कारण। और ये जो शेल है बाहर वाला 2a थिकनेस का,
इसके कारण भी ये जो पॉइंट है वो सरफेस पर है ना, तो उस शेल के कारण भी इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस जी इंटू टू एम बाय डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, 3 है तो 3 का उसके 9 ए स्क्वायर, तो 2 एंड 1 3 जी एम बाय 9 ए स्क्वायर, तो जी एम बाय 3 ए स्क्वायर बेटा। तो बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, ए टेस्ट पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मास डेंसिटी रो आर इज इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस आर ऑफ द पार्टिकल्स ऑर्बिट एंड इट्स पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो है जिसमें वो पार्टिकल एक साइकिल कंप्लीट करेगा दैट इज कैपिटल टी, एंड जिस रेडियस में पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है रेडियस है कैपिटल आर, तो आपको टी और आर में रिलेशन बताना है कौन सा रिलेशन सही है। तो एक मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है जिसकी मास डेंसिटी जो है ना बेटा वो कुछ आपको ये दे रखी है रो आर इक्वल्स टू के अपॉन आर स्क्वायर, तो आर के साथ साथ जो डेंसिटी है मास डेंसिटी वो लगातार डिक्रीज हो रही है बेटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहां पर मैंने कुछ डायग्राम बनाया है बेटा, ये डायग्राम देख लेते हैं अपन, तो ध्यान से देखना, ये जो येलो कलर में जो नजर आ रही है ये मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और कैपिटल आर डिस्टेंस पर, सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है जो कि इस कैपिटल आर रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा और फोर्स को मैं एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल कर दूंगा, सेंटीपेटल फोर्स के बराबर कर दूंगा ना उस रिलेशन से, और वहां से आपके पास वी का रिलेशन आ जाएगा। और जो टाइम पीरियड जो होता है साइकिल का वो होता है 2πr/v, 2πr सर्कमफ्रेंस बाय वी स्पीड, तो टाइम आपके पास आ जाएगा वहां से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मास डेंसिटी ये तो कंफर्म है वेरी कर रही है, तो इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा। तो मास डेंसिटी बेटा आर के साथ के अपॉन आर स्क्वायर के साथ रिलेट हो रही है कुछ इस टाइप से। तो देखो मैंने क्या किया, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर मैंने डी आर थिकनेस का एक शेल बनाया। देखिए इस शेल का मास जो है बेटा वो डीएम है, अगर शेल का मास डीएम तो इस शेल के कारण इस पॉइंट पी पर फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आ जाएगी DE इज इक्वल टू जी डी एम बाय आर स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर है, कैपिटल आर तो गिवन है, और डीएम बेटा रो इंटू डीवी होता है, रो मास डेंसिटी जो कि आपको दे रखी है के बाय आर स्क्वायर, और डीवी मतलब इसका वॉल्यूम, ये डी आर थिकनेस का जो शेल दिख रहा है इसका वॉल्यूम कितना आएगा 4πr² सरफेस एरिया इंटू में डी आर थिकनेस, तो इसका जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 4π स्मॉल आर स्क्वायर डी आर, राइट। तो ये डीएम आ गया पूरा, और डिवाइड में कैपिटल आर स्क्वायर भी रख दिया मैंने, तो आर स्क्वायर से देखो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो इस पूरे शेल के कारण पी पॉइंट पर शेल के कारण तो आ गया। अब इस पूरे कैपिटल आर रेडियस के अंदर ऐसे बहुत सारे शेल होंगे, तो सभी शेल के कारण इस पॉइंट पी पर जो फील्ड आएगा वो डेफिनेटली इसी तरफ आएगा, है ना, टूवर्ड सेंटर आएगा बेटा, ये कंफर्म है। तो टूवर्ड सेंटर कुछ इस तरफ ये फोर्स आ जाएगा, तो फोर्स निकालने के लिए ई निकालना है, तो टूवर्ड सेंटर ई आएगा सभी शेल का, तो इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा सभी शेल के लिए, फील्ड अंदर की तरफ है सेंटर की तरफ है, तो इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करें बेटा, तो डी का इंटीग्रेशन ई आ जाएगा यहां पर, और यहां से अगर आप देखो तो जी के 4π सारे कॉन्स्टेंट हैं, सारे कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट को एल्फा मान लो, और बाय आर स्क्वायर भी है, और यहां पे केवल डी आर बचेगा, डी आर का इंटीग्रेशन करोगे आप कहां से कहां तक, जीरो टू कैपिटल आर तक यहां तक, तो इसका इंटीग्रेशन करने पे डीआर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा, कैपिटल आर बाय ये आर स्क्वायर, तो ई प्रोपोर्शनल टू यहां पर हमारे पास आ गया 1/r। तो क्योंकि हमें रिलेशन फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड करनी, बस प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग अपन को देखना है, तो जो ई है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो यहां पे पार्टिकल होगा एम मास का उस पे जो फोर्स लगेगा बेटा टूवर्ड सेंटर वो भी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट मींस फोर्स आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर जो है वो आ गया m इंटू में e, और e प्रोपोर्शनल टू 1/r, बाकी कॉन्स्टेंट ले लो कोई k मान लो, k बाय r आ गया, k डैश मान लो जो भी है ना, तो m इंटू e k डैश बाय r। तो यहां से बेटा अगर आप देखो गौर से तो जो v है वो v की वैल्यू बेटा कॉन्स्टेंट आ रही है, देखो v कॉन्स्टेंट आ रहा है यहां से, क्योंकि r से तो r कैंसिल आउट हो गया, v कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो स्पीड कॉन्स्टेंट आ गई, तो स्पीड अगर कॉन्स्टेंट है बेटा
तो हमें पता होना चाहिए टी जो है वो 2πr/v होगा, और वी अगर कॉन्स्टेंट है तो आर को अगर मैं टी के डिवाइड में ले जाऊं तो टी बाय आर भी क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो टी और आर का जो रेशियो वो कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि स्पीड यहां पर बेटा कॉन्स्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो आप जरा, तो इसमें टी बाय आर इज कॉन्स्टेंट बेटा, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। The value of acceleration due to gravity at Earth's surface is 9.8 meter per second square. The altitude above its surface at which the acceleration due to gravity decreases to 4.9 meter per second square. तो हमसे height पूछी है जी, पृथ्वी सतह से ऊंचाई पूछी है ना? तो h height पर आपको पता होना चाहिए gravitational field g at height h equals to g upon 1 plus h by r का whole square के equal होता है। ये formula तो बहुत standard formula है, आपको याद होना चाहिए हर हालत में। और यहाँ पे जी एच कह रहा है कि जस्ट हाफ हो गया क्योंकि 4.9 हो गया सरफेस पे, 9.8 है तो जस्ट हाफ हो गया, ये जी बाई टू, इस तरफ जी है बेटा और यहाँ पे 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर है ना, जिसे जी ये कैंसिल आउट हो गया, इस तरफ ले जाइए 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2, देन यहाँ पे रूट 2 आ गया, तो एच बराबर कितना आ गया, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 करोगे तो 0.41 बचेगा इंटू में आर, तो एच की वैल्यू 0.41 इंटू आर आ जाएगा और आर की वैल्यू बेटा आपके पास 6.4 है, तो 6.4 का 0.41 है ना, इसका हाफ अगर करें तो 3.2 आता है, लेकिन उससे भी कम करना है अपन को, हल्का सा कम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.6 इंटू 10^6 मीटर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16, ए स्पेसशिप ऑर्बिट्स अराउंड ए प्लेनेट एट ए हाइट ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम इट्स सरफेस। हाइट इज वेरी वेरी स्मॉल, 20 किलोमीटर ज्यादा नहीं है रेडियस के कंपेरेटिवली, क्योंकि रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है वो 2×10^6 मीटर है, राइट? तो 2000 किलोमीटर है ये, और 20 किलोमीटर 2000 के रेस्पेक्ट में काफी कम है। Assuming that only gravitational field of the planet acts on the spaceship, what will be the number of complete revolutions made by the spaceship in 24 hours around the planet? तो ये हमें चेक करना है, ये कम्प्लीटली जो है वो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। इसका अगर अपन कॉन्सेप्ट देखें तो कॉन्सेप्ट क्या जाता है, तो आपको हाइट दे रखी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, 20 किलोमीटर कम है बेटा। तो हमें पता होना चाहिए जो टाइम पीरियड जो होता है टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4π² / gm/r³ के इक्वल होता है ना, आर की पावर 3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से अगर आप इस टी की वैल्यू कैलकुलेट करें, टी मतलब जो सैटेलाइट है ना उसको एक साइकिल में कंप्लीट करने में लगने वाला जो टाइम है वो ही ये टाइम है, और यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू देखें अपन बेटा तो 4π² को ऑलमोस्ट 10 अज्यूम कर सकते हो, तो 4×10 आ गया ये। G की वैल्यू आप जानते हो 6.67×10^-11 है ना, और यहां से M जो मास है इसका, प्लेनेट का मास आपको दे रखा है 8×10^22, ये मास भी आपको गिवन है। R जो रेडियस है वो भी आपको गिवन है, रेडियस की वैल्यू कितनी है, कितनी करोगे 20 किलोमीटर उसमें ऐड करोगे, कोई ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर, 20 किलोमीटर मतलब 20,000 मीटर, तो 20,000 मतलब 20×10^3 को 2×10^6 सब ऐड भी कर दोगे तो कोई ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, तो डायरेक्ट आप है ना रेडियस का ही पावर 3 कर दीजिए, तो 2×3 8 हो जाएगा और ये 10^6 का 3 टाइम्स जो है वो पावर 3 जो है वो 18 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, तो पावर 3 हो गया ये। तो यहाँ से आप टी की कैलकुलेशन कर सकते हो, 8 से 8 ये कैंसिल आउट हो गया है ना, तो ये 10^ ये 11 बच जाएगा यहाँ पर, ये 10 एक कट जाएगा तो ये 10 आ गया, ये 10 है और ये 10^18 है तो ये 18 है और ये कितना था 11 और ये 10 और ये 10^18 ओके 10^8 बच जाएगा है ना, 10^8 ये थोड़ा
10 टू द पावर 8 बच जाएगा, ये सारा कट जाएगा यहाँ से। बाकी 4/6.67 है, इससे आप टी की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो तो अंडरूट करोगे तो ये 2 बचेगा, ये 10 टू द पावर आपके पास 4 बचेगा और रूट 6.67 है। ठीक है, यहाँ से आप टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और आपसे ये पूछा है कि 24 आवर्स में कितने साइकिल कंप्लीट करेगा, तो 24 आवर्स में अगर आपको पूछे तो यहाँ से देखो ये जो टाइम आएगा ना वो सेकंड के अंदर आएगा। ठीक है, सेकंड के अंदर आएगा। तो 24 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं आप जानते हो, 24 × 3 600 है ना। तो ये जो टाइम है ये सेकंड के अंदर है, और इसमें अगर आप इस टाइम को अगर आप डिवाइड कर दोगे बेटा तो नंबर ऑफ साइकिल आ जाएंगे, जो सेटेलाइट जो रिवॉल्व करेगा ना, जितने साइकिल नंबर ऑफ साइकिल्स आप इससे यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 11 के इक्वल। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बस इतनी सी है, बाकी कैलकुलेशन वो आपको खुद से करनी ही पड़ेगी हर हालत में। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ सरफेस टू दैट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट इज 9:4। ओके, द मास ऑफ द प्लेनेट इज 1:9 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो मास का रेशियो भी दे रखा है। इफ आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। तो बेटा अपन को वेट दे रखा है यहां पर। ठीक है, वेट का डायरेक्ट लिंक होता है ग्रेविटी से, जी से, और जी हम अच्छे से जानते हैं जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो ये कह रहा है कि जो वेट है उस बॉडी का वो अर्थ सरफेस है ना, रेशियो द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ सर्फेस टू दैट ऑफ द सर्फेस ऑफ प्लेनेट इज 9:4। इसका मतलब G1 बाई G2 जो है वो 9:4 है, क्योंकि m तो सेम रहेगा, m तो मास बेटा वो प्रॉपर्टी है, तो m तो सेम रहेगा। इसका मतलब G1 बाई G2 जो है वो ही 9:4 है। रेशियो लोगे तो G तो वैसे भी कॉन्स्टेंट वो हट जाएगा। मास की हम बात करें अपन, द मास ऑफ द प्लेनेट इज 1:9 दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, तो m1 बाई m2 आएगा यहाँ पर, तो ये 1/9 हो जाएगा, ये भी कन्फर्म है। ठीक है, बाय यहाँ पे आर स्क्वायर तो अर्थ की रेडियस है और उसके लिए वो ऊपर आ जाएगा, सपोज आर डैश उसकी रेडियस तो आर डैश स्क्वायर, तो ये 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा अगर आप देखो तो तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 × 9/4, राइट, बाय 4 इंटू में आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर डैश स्क्वायर है ना। बाकी देख लेते हैं एक बार, कैलकुलेशन देख लें अपन। 9:4 है तो 9/4 आ गया, जी कांस्टेंट है, मास जो है तो मास ऑफ द प्लेनेट इज 1/9 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, तो मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया। तो अर्थ का जो मास है वो प्लेनेट के मास का 9 times है, इसका मतलब अर्थ का मास 9 है और प्लेनेट का मास 1 है ना। तो यहाँ पर ये मिस्टेक कर देते अभी अपन, तो 9 से 9 ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये 9 यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहां से आर स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू आर डैश स्क्वायर, देन आर डैश कितना आ गया बेटा, आर डैश आ जाएगा आर बाय 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4th। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m इज लॉन्च्ड वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड u फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ आफ्टर इज रिचेज हाइट कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ, इट इजेक्ट्स ए रॉकेट ऑफ मास m by 10 सो दैट द सब्सिक्वेंटली द सैटेलाइट मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉकेट इज। तो रॉकेट को अर्थ सर्फेस से आपने लॉन्च किया यू स्पीड से, वो r हाइट पे जाता है और वहां पर वो जो है सैटेलाइट जो है एक रॉकेट को लॉन्च करता है, इसका मास है m by 10, वो उस सैटेलाइट का ही पार्ट है। तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी से आप लॉन्च करोगे जिससे कि जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट बेटा सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लग जाए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये जेई मेंस का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए मैंने थोड़ा डायग्राम बना लिया पहले से ही, अब ब्लैंक पेज पे लेके चलते हैं अपन और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए ओके, तो ये क्वेश्चन है और ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना लिया है यहाँ पर। देखिए बेटा, ये अर्थ है और अर्थ का मास जो है हम कैपिटल एम अज्यूम कर लेते हैं, राइट, रेडियस कैपिटल आर है और यहां से आपने एम मास का जो सैटेलाइट है उसको यू स्पीड से लॉन्च कर दिया। तो जब जाएगा सीधा रेडियली, वो भी रेडियली वर्टिकली अपवर्ड बेटा, जब ये इस पॉइंट पर जाएगा आर रेडियस पे चला गया, आर हाइट पे चला गया, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, 2r ना। तो इस सैटेलाइट के पास यहां पर कोई ना कोई स्पीड होगी, लेट्स से स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन द रेडियल डायरेक्शन इज वी,
तो वी की वैल्यू अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो अप्लाई करें चलो, तो यहां पर सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, बराबर। उस पोजिशन पर काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस जी एम स्मॉल एम बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज 2r, तो माइनस जी एम स्मॉल एम बाय 2r। इसको सॉल्व कर लें बेटा, तो m m m यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन सॉल्व करें तो u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2। इस वाले पार्ट को यहां इधर ले आइए, तो जी एम बाय आर पॉजिटिव हो जाएगा, यहां माइनस का जी एम बाय 2r है, तो वो वैल्यू आ जाएगी प्लस का जी एम बाय 2r। इसको भी देखें तो 2 से 2 कट हो जाएगा बेटा यहां से। तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, v स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया u स्क्वायर माइनस जी एम बाय आर। तो v की आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वहां से v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u एंड r आप लिख सकते हो। तो ये वाली वैल्यू मैं यहां साइड में लिख देता हूं बेटा, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस जी एम बाय आर, ये जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां अपन आगे यूज में ले लेंगे इसको। चलिए तो आगे चलें। अब ये कह रहा है कि यहां से इसने रॉकेट को इजेक्ट किया, m बाय 10 मास है, तो इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट का मास 9m बाय 10 हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, रॉकेट ऊपर, ये सैटेलाइट ऊपर जा रहा था, इसने जैसे ही रॉकेट इजेक्ट किया, तो जस्ट आफ्टर इजेक्शन एंड जस्ट बिफोर इजेक्शन लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग तो रहा है एक्सटर्नल फोर्स, वो नॉन इंपल्सिव फोर्स है, तो लीनियर मोमेंटम डेफिनेटली कंजर्व रहेगा पहले, जस्ट पहले और जस्ट बाद में। तो अभी अगर देखा जाए तो मोमेंटम कितना आएगा, एम वी ना इन दिस डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन मान लो, ठीक है। तो एम वी इस तरफ है वाई डायरेक्शन में, इनिशियल मोमेंटम, राइट, वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना, एम वी है। और जैसे ही इसने इजेक्ट किया रॉकेट, तो ये जो जो सैटेलाइट है ना, इस सैटेलाइट का मास तो हो जाएगा 9m/10, ठीक है। और इसके पास ऑर्बिटल स्पीड आ गई, जिससे गोल गोल घूमने लगेगा, और जो m बाई 10 जो मास है रॉकेट, वो डेफिनेटली इस तरफ ये लॉन्च करेगा, इस तरफ ये इजेक्ट करेगा, ताकि थ्रस्ट फोर्स इस तरफ लगे, इस पर धक्का इस तरफ लगे, ताकि ये यूं घूमने लग जाए। तो ये 9m बाई 10 मास का जो टुकड़ा है, इसने इस तरफ इजेक्ट कर दिया, तो इसके पास वेलोसिटी होगी मान लीजिए v डैश, और इस वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे सपोज इस तरफ है vx और इस तरफ है vy जस्ट आफ्टर इजेक्शन। तो मोमेंटम को कंजर्व करना है, तो जस्ट बिफोर इजेक्शन मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट इज इन दिस डायरेक्शन विच इज एम वी, एंड जस्ट आफ्टर इजेक्शन मोमेंटम क्या आएगा इस तरफ सिस्टम का, इसका तो इस तरफ है, इसका सिस्टम का, तो इसका इस तरफ आ जाएगा ना। तो वेलोसिटी मैंने इस तरफ वी वाई कंसिडर किया, तो मास है 9m/10, तो इसका मोमेंटम कितना आएगा, 9 सिस्टम का, 9m/10 इंटू वी वाई ना, सॉरी m/10, 9 m/10, इसका मास m/10 है, ठीक है, m/10 इंटू वी वाई इस तरफ सिस्टम का। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, देन vy की वैल्यू कितनी आगे बढ़े यहां से, 10v, तो vy की वैल्यू 10v के इक्वल, और v यहां पर है हमारे पास, वहां से रख देंगे। x डायरेक्शन मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए, पहले कितना था, 0 था, तो अब भी 0 होना चाहिए, तो इसका मोमेंटम कितना आएगा इस तरफ, 9m/10 * v0 ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू, इसका मोमेंटम कितना आया, m/10 * vx, m/10 कैंसिल आउट, तो vx की वैल्यू कितनी आ गई, 9v0, और v0 बेटा ऑर्बिटल स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड आपको पता होनी चाहिए, अंडर रूट जीएम बाय आर होती है, आर होती है सेंटर से डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस, जो कि रेडियस, जो कि कितनी है, 2r के इक्वल है, तो ये 2r आ गया यहां पर, तो ये vx आ गया। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है जो रॉकेट आपने इजेक्ट किया उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी उस रॉकेट की, हाफ, रॉकेट का मास कितना है, m/10 * v² आ जाएगा बेटा, vx² + vy² vx² कर दूं, इसका स्क्वेयरिंग करूं, या पहले vy² कर लो चाहो, तो vy² करोगे कितना आएगा, 10v² 100 और प्लस vx² कितना आएगा, 81 gm बाय 2r, ये लो वैल्यू आ गई। अब यहां पर v² की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u यहां से रख देंगे इसमें, तो बेटा यहां पे देखो m बाय ये 20 आ गया, और ये 100 v² मल्टीप्लाई करो, तो 100 u², ठीक है, माइनस 100 gm बाय r प्लस ये आ जाएगा 81 gm बाय 2r। अब थोड़ी सी मैथ्स लगानी है यहां पर, इसमें ऑप्शन में जो है वो u स्क्वायर या u जो है ब्रैकेट में मेंटेन कर रखा है, इसका मतलब u का जो कोफिशिएंट 100 उसको बाहर लाना पड़ेगा, 100 को बाहर लाऊंगा यहां पर, तो ये तो आ जाएगा 100 बाय 20 मतलब 5m ना, यहां पे 100 बाहर लेके आया तो केवल u स्क्वायर बचेगा। अब यहां पे भी देख लो, यहां देखो एलसीएम लोगे 2r, तो ये माइनस का 200, ये प्लस का 81, माइनस का 200 प्लस 81 मतलब ये आ जाएगा 119 आई थिंक, राइट।
तो 119, वो भी नेगेटिव का, -119 जीएम बाय 2R, लेकिन 100 आपने बाहर कॉमन लिया तो नीचे कितना आ जाएगा 200R, ठीक है। तो अगर आप इसमें ऑप्शन में देखोगे बेटा तो आपके पास ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा थर्ड ऑप्शन, राइट। तो चलिए देख लो, थर्ड ऑप्शन जो है वो मैच कर जाएगा, देखो थर्ड ऑप्शन पूरी तरह से मैच कर रहा है ये वाला, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन पूरी तरह से ये मैच कर रहा है बेटा, ये देखो ये वाला करेक्ट, 5m ब्रैकेट यू स्क्वायर माइनस 119 जीएम बाई 200R, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, टू सॉलिड स्फीयर्स आपको गिवन है, रेडियस R1 इक्वल टू 1 मीटर, R2 इक्वल टू 2 मीटर एंड मासेस M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली, द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर 1 एंड 2 आर शोन। तो ग्रेविटेशन फील्ड हमें पता है यूनिफॉर्मली, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो अंदर तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है या ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो R के प्रोपोर्शनल आता है, बाहर R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। हमसे यहां पर मास का रेशियो पूछा बेटा, तो यहां पर देखो वन नंबर की बात करें, वन नंबर ये वाला है, तो वन नंबर की रेडियस 1 मीटर है और मास इसका, अच्छा फील्ड की वैल्यू 2 दे रखी है अपन को, वन नंबर के लिए फील्ड की वैल्यू 2, और फील्ड कितना होता है E बराबर GM बाय R स्क्वायर, तो 2 इक्वल्स टू GM1 बाय R स्क्वायर एंड R इक्वल्स टू 1 ना 1 का स्क्वायर आ गया। अब 2 के लिए देखो, 2 के लिए फील्ड कितना है 3 है ना, तो 3 इक्वल्स टू GM2 बाय रेडियस कितनी इसकी 2 है ना, तो 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 आ गया, ये देखो आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, डिवाइड करोगे तो कितना है देखो 2/3 आ जाएगा इस तरफ जी कट जाएगा, M1 बाय M2 आ गया और 4 ऊपर चला जाएगा बेटा, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 से कट कर दो, 2 तो 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/6 के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, 1/6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1/6 क्या मिल रहा है यहाँ पर, यस 1/6 मिल रहा है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। ओके, तो क्वेश्चन देखिए, ए प्लेनेट ए हैज मास एम एंड रेडियस आर, प्लेनेट बी हैज हाफ द मास एंड हाफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट ए, ठीक है। इफ द एस्केप वेलोसिटीज फॉर द प्लेनेट ए एंड बी आर वी एंड वी बी रेस्पेक्टिवली, देन वी ए बाय वी बी इक्वल्स टू एन बाय 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। सिंपल सा क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते ही हो, वी इक्वल्स टू अंडर रूट 2gm बाय आर होता है बेटा, और इसी से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको, ठीक है। तो हमें यहां पर मास का रेशियो दे रखा है, मास की वैल्यू दे रखी है, देखो प्लेनेट ए हैज मास एम एंड रेडियस आर, प्लेनेट ए के लिए वेलोसिटी होगी वी ए, इसके वेलोसिटी, एंड प्लेनेट बी के लिए बात करें वी बी है, और वी बी कितना है देखो अंडर रूट 2g, एम की वैल्यू कितनी है, बी हैज हाफ द मास मतलब एम बाई 2 हो गया, ओके कोई इश्यू नहीं है, एंड हाफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट ए, रेडियस भी हाफ हो गई, ये लो रेडियस भी हाफ हो गई, तो 2 से 2 कट हो गया, तो क्या इसके वेलोसिटी भी कोई इंपैक्ट पड़ा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, इसके वेलोसिटी बेटा सेम है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके वेलोसिटी सेम है तो VA by VB भी 1 आना चाहिए, 1 आने का मतलब n की वैल्यू 4 होगी तभी तो 1 आएगा 4/4, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, n equals to 4 मतलब ये वाला सेकंड ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, An asteroid is moving directly towards the center of the Earth. When at a distance of 10 R, R is the radius of Earth from Earth's center, it has a speed of 12 km per second. Neglecting the effect of the Earth's atmosphere, what will be the speed of the asteroid when it hits the surface of Earth? Escape velocity from the Earth is 11.2 km per second. Give your answer to the nearest integer in kilometer per second. Kilometer per second में answer देना बेटा, तो थोड़ी मेहनत है यहाँ पर। तो 10 R distance से वो move कर रहा है Earth की तरफ, ठीक है? ये अर्थ है और ठीक है टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ 10 आर आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस कितनी 10 आर है, तो ये कहीं ना कहीं यहां पर है ये और इस तरफ मूव कर रहा है और उसकी स्पीड आपको इवन दे रखी है, स्पीड सपोज यू कंसीडर कर लेते हैं और आपसे पूछा है कि जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी, लेट्स से स्पीड इज वी, सिंपल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सॉल्व करना, तो यहां पे एनर्जी कितनी है कि इसकी 1/2 m यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम स्मॉल एम बाय 10 आर, स्ट्राइक करेगा तो 1/2 m वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर, है ना। तो वी की वैल्यू हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है, इसको आप इस तरफ ले जाइए,
एम यहां से हट जाएगा सब तरफ से, ठीक है, तो यू स्क्वायर बाई टू, और ये जी एम बाय आर है प्लस का है बेटा, इस तरफ जाएगा तो 1 माइनस 1 बाई टेन मतलब कितना आ जाएगा 9 बाई टेन, राइट, 9 बाई टेन जी एम बाय आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू। स्केप वेलोसिटी हमको दे रखी है, स्केप वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट में अंडर रूट टू जी एम बाय आर होती है स्केप वेलोसिटी, राइट, वी जो है एग्जैक्टली अंडर रूट टू जी एम बाय आर होता है। तो यहां से अगर मैं जी एम बाई आर की वैल्यू देखूं तो स्क्वेयरिंग कर दोगे तो वी स्क्वेयर बाई टू आ जाएगा ना जी एम बाई आर की वैल्यू, तो ये वी स्क्वेयर बाई टू के इक्वल आ जाएगी वैल्यू बेटा। इसका मतलब यहां पर जो रिलेशन है ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ वी स्क्वेयर बाई टू, तो फिर ये टू ये टू ये वाले टू तीनों कट जाएंगे। इसका मतलब यहां पर ये वैल्यू कितनी आएगी यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर इंटू में नाइन बाई टेन इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। तो हमें वी की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करनी है बेटा, ठीक है, v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको u दे रखा है, देखो किलोमीटर पर सेकंड है, सारे किलोमीटर पर सेकंड हो जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो u की जो वैल्यू वो 12 है बेटा, तो 12 का स्क्वायर करोगे प्लस 9 बाई टेन, फिर 11.2 का स्क्वायर करोगे एंड देन अंडर रूट करोगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है हल्का सा, ये 0.9 आएगा, 0.9 को 11.2 से मल्टीप्लाई होल स्क्वायर जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर करोगे, सॉल्व करोगे, अंडर रूट करोगे बेटा, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ऑलमोस्ट 16। तो इसका आंसर बेटा 16 के ऑलमोस्ट इक्वल आएगा, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये मोशन टू ग्रेविटी से रिलेटेड है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज विंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एट द डिस्टेंस एच फ्रॉम इट्स सेंटर द वैल्यू ऑफ एच इज। देखो बेटा कोई भी रिंग है आपके पास, ठीक है, और इस रिंग के सेंटर से ये चार्ज रिंग है बेटा, इसके सेंटर से अगर किसी डिस्टेंस एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, जैसे मान लीजिए रिंग पे आपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज आपने दिया और रिंग की रेडियस कैपिटल आर अगर मैं अज्यूम कर लूं, तो उस केस में इस पॉइंट पर एक्सिस पे कोई पॉइंट प्रेजेंट है, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अगर ये पॉजिटिव होगा तो एक्सिस के लॉन्ग आएगा मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, और नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है ई इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आता है जो कि आपको हर हालत में ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं एक्स बराबर जीरो ले लूँ सेंटर पे ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी, और इन्फिनिटी ले लें तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ओ से इन्फिनिटी पे जब जाएंगे सेंटर से इन्फिनिटी पे जब जाएंगे तो इलेक्ट्रिक वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज होगी फिर वापस डिक्रीज होगी, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम के लिए निकालने के लिए बेटा आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप जानते हो डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, एक्स पर डिपेंड कर रही है, और डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट जीरो के इक्वल कर दोगे। जब जीरो के इक्वल करोगे बेटा इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आती है आर बाय रूट टू। ये एक्स इसने एच दिया है कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की जगह एच लिख दो, बात तो वही है आर बाय रूट टू के बराबर ही आएगा। तो इसका करेक्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा बेटा 4th, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। थ्री चार्जेस प्लस क्यू स्मॉल क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली एट ए डिस्टेंस 0 कॉमा डी बाई टू यस एंड डी फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस क्यू प्लेस्ड एट एक्स इक्वल टू 0 इज 0 देन द वैल्यू ऑफ क्यू इज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, तो डायरेक्ट फटाफट करें अपन। देखो तो यहां पर यह क्यू चार्ज है एंड देन स्मॉल क्यू चार्ज है देन अगेन प्लस क्यू चार्ज है, राइट, ये दोनों पॉजिटिव हैं। ये एक्स बराबर जीरो है, ये डी बाई टू डिस्टेंस है, ये भी डी बाई टू डिस्टेंस है ताकि सेंटर से डिस्टेंस डी के इक्वल हो जाए। हमसे कहा गया है कि जो क्यू है ये वाला ओरिजिन वाला इस पे नेट फोर्स जीरो है तो बताइए स्मॉल क्यू कितना होगा। तो बेटा ये जो क्यू है ये क्यू इस पे फोर्स किस तरफ लगाएगा, इस डायरेक्शन लगाएगा ना, राइट, इस तरफ ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। इस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी के q इंटू क्यू, ये वाला q जो इस पे फोर्स लगाएगा के q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर बाय ये डिस्टेंस पूरी कंप्लीट d है ना तो d स्क्वायर। तो ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला चार्ज लगा रहा है इस पे।
अब ये जो चार्ज है ये डेफिनेटली इसको इस तरफ लगाना चाहिए इस पे फोर्स, तभी तो मामला बनेगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो आएगा, है ना। ये जो चार्ज है ऑब्वियसली नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव ले लो चलो। तो ये जो क्यू चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा एंड फोर्स की वैल्यू कितनी है के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में डी बाई टू का होल स्क्वायर डी स्क्वायर बाय फोर, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बेटा बैलेंस करेंगे तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो बैलेंस करके देखो आप, तो देखो के क्यू इसको रख दें यहां पर के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर के क्यू स्मॉल क्यू बाय डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बेटा, के क्यू कैंसिल आउट हो गया, और हमसे किसकी वैल्यू पूछे क्यू की वैल्यू पूछे, क्यू की वैल्यू क्यू बाय फोर, लेकिन हमने चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी माइनस पहले से ले लिया था, इसका मतलब चार्ज क्या है यहाँ पर माइनस का स्मॉल क्यू है, ध्यान रखना। देन आंसर इज माइनस क्यू बाय फोर, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा फोर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आर इक्वल्स टू ए अपॉन आर स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस टू आर बाय ए वेयर ए एंड स्मॉल ए आर कॉन्स्टेंट्स। इफ क्यू इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द रेडियस आर इज इक्वल टू, आपको टोटल चार्ज क्यू दे रखा है और आपसे रेडियस आर की वैल्यू पूछिए बेटा। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था, थिन शेल अज्यूम कर लो स्मॉल आर रेडियस की और डी आर थिकनेस की, ठीक है डी आर थिकनेस की, तो उसमें जो चार्ज आएगा डी क्यू, उस डी क्यू चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी रो इंटू डी वी, रो की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा ए बाय आर स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस टू आर बाय ए, ये रो आ गया इंटू डी वी, डी वी आ जाएगा फोर पाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर, देखो आ गया। तो ये उस शेल पे चार्ज आ गया और हमें टोटल चार्ज क्यू दे रखा है और रेडियस कैपिटल आर है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे जीरो से कैपिटल आर तक और टोटल चार्ज क्यू के इक्वल आना चाहिए। तो क्यू इक्वल्स टू देखो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, कैलकुलेशन इजी पड़ गई, फोर पाई ए बार आ गया बेटा, और ई टू द पावर माइनस टू आर बाय ए का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आर के रेस्पेक्ट में और लिमिट लगानी जीरो से कैपिटल आर तक, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं अपन, तो इंटीग्रेट करें बेटा तो वैल्यू कितनी आएगी देखो e टू द पावर माइनस टू आर बाय ए ही आएगा, लेकिन माइनस का टू बाय ए जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो माइनस का टू बाय ए तो स्मॉल ए ऊपर चला गया, ठीक है, और हमें यहां पर अब लिमिट लगा देनी जीरो से कैपिटल आर, तो ये देखो कितना वैल्यू आएगा, ये टू कट जाएगा तो माइनस का टू पाई ए स्मॉल ए, और यहां पर बेटा लिमिट लगा दो तो ई टू द पावर माइनस टू आर बाय ए एंड माइनस जीरो रखोगे तो वैल्यू बना जाएगा। तो इस माइनस को आप रिमूव कर सकते हो, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस आ जाएगा, है ना, क्योंकि वैल्यू आ चुकी है। हमें बेटा यहां पर कैपिटल आर की वैल्यू पूछी है, तो कैपिटल आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो कैपिटल आर की वैल्यू निकालने के लिए आपको एंटीलॉग लेना पड़ेगा। देखो ये क्यू है यहां पर, ये टू पाई ए स्मॉल ए है, इस वाले पार्ट को आप इस तरफ ला सकते हो, तो क्यू बाय टू पाई ए स्मॉल ए इज इक्वल टू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टू आर बाय ए, यही तो वैल्यू आई है ना। अब देखो इस वाले पार्ट को इस तरफ ले आइए, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस टू आर बाय ए इज इक्वल टू वन माइनस क्यू अपॉन में टू पाई ए स्मॉल ए, ये पार्ट आ गया। बहुत साइड लॉग ले लीजिए, लॉग लोगे तो वो e हट जाएगा, तो वहां पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का टू आर बाय ए, करेक्ट माइनस का टू आर बाय ए इज इक्वल टू, यहां पर अगर आप लॉग लोगे तो एल एन वन माइनस क्यू बाय टू पाई ए स्मॉल ए। अच्छा हमें r की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो a इस तरफ आ जाएगा, ये वाला a हटा दो यहां से, माइनस का टू यहां आ गया। अब माइनस का टू यहां है नहीं, मतलब ले सकते हो माइनस का, अच्छा माइनस ले लो, इसको प्लस कर दो, यहां माइनस आ जाएगा, पावर आ जाती है पता है अपन को, पावर आ जाएगी तो फिर उस केस में ये वन अपॉन में आ जाएगा, इसका मतलब a बाई टू तो आ रहा है, देखो एक ऑप्शन में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और पावर माइनस वन है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, वन अपॉन में वन माइनस क्यू अपॉन में टू पाई a, ठीक है टू पाई ए कैपिटल ए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा पूरी तरह से, सेकंड ऑप्शन पूरी तरह से मैच कर रहा है, देखो कर रहा है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा देखिए, टू पॉइंट चार्जेस क्यू वन दे रखा है क्यू टू दे रखा है, आपको दो चार्ज पार्टिकल्स आपको गिवन है, आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू वन मीटर एंड एक्स इक्वल टू फोर मीटर रेस्पेक्टिवली, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वोल्ट पर मीटर एट ए पॉइंट वाई इक्वल टू थ्री मीटर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू भी दे रखी है कॉन्स्टेंट की। तो
तो आपको दो चार्ज पार्टिकल्स गिवन हैं, तो सबसे पहले अपन उन दोनों की पोजीशन लिख लेते हैं और ब्लैंक पेज देखेंगे, ब्लैंक पेज पेज को सॉल्व करेंगे बेटा। तो दोनों की पोजीशन हमें दे रखी है, तो Q1 यहां पर है बेटा और इसका जो x कोऑर्डिनेट है 1 मीटर है, मतलब ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर के इक्वल है, और जो Q2 है वो कहीं ना कहीं यहां पर है और नेगेटिव चार्ज ध्यान रखना वो, और उसकी डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर है, x कोऑर्डिनेट 4 मीटर है, और हमें y = 3 मतलब कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर फील्ड पूछा है और वो भी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है वेक्टर फॉर्म में पूछा है। तो Q1 की वैल्यू लिख लेता हूं मैं, Q1 जो है वो आ जाएगा हमारे पास √10 माइक्रोकुलम है, एंड Q2 जो है वो है माइनस का 25 माइक्रोकुलम, राइट। बाकी देखते हैं, चलो तो इसको बैक साइड में करते हैं, ठीक है जी। तो स्पेस मिल चुका है हमें, आइए तो सबसे पहले चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में किस वे से किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, तो काफी सिंपल है, के क्यू आर स्क्वायर होता है, आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, इस फॉर्मेट में अपन को लिखना होता है, बड़ा सिंपल है। पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज आ जाएगा। जैसे Q1 है, Q1 के कारण इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कितना आएगा Q1 के कारण, तो देखो Q1 के कारण तो K की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻¹, Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है √10 माइक्रोकुलम, तो √10 माइक्रोकुलम, तो 10⁻⁶ आ गया, ये क्यों हो गया पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ उधर की तरफ होगा, उस डायरेक्शन को हमें लिखना है। आर वेक्टर, अब आर वेक्टर लिखना है, तो ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, ये वेक्टर क्या होना चाहिए सोचो लॉजिकली, ये माइनस का 1i कैप प्लस का 3j कैप ना, तो ये वाला वेक्टर कितना है -1i कैप प्लस 3j कैप, और इसका मॉडुलस देखें तो मॉडुलस कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 हो गया ना, तो 10 की √10 √10 की पावर 3 है, तो √10 की पावर 3 मतलब 10√10 आ गया, तो √10 से √10 कैंसिल आउट भी हो गया देखो, और बाकी ये 10⁻⁶ है, ये 10⁻⁹ है, तो 10⁻³ बचेगा, ये 10 भी है 10⁻² बचेगा, तो यहाँ पे 900 आ गया एक तरीके से, सही है 900, और यहाँ पर आ गया बेटा हमारे पास -i कैप प्लस 3j कैप। देखते हैं चलो आगे क्या आती है वैल्यू, Q2 जो चार्ज है उसकी वैल्यू माइनस का 25 माइक्रोकुलम, तो ऑब्वियसली उसका जो फील्ड आएगा वो कहीं ना कहीं बेटा इसी की तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, तो उसकी डायरेक्शन को प्रॉपरली रखना है आपको, ठीक है। तो उस फील्ड की बात करें तो उस फील्ड की वैल्यू देखो कितनी आनी चाहिए, अगेन 9 × 10⁹, चार्ज की वैल्यू कितनी है 25, वैल्यू रखना केवल 25 माइक्रोकुलम मतलब 10⁻⁶, ये क्यों आ गया ब्रैकेट में आर वैक्टर, अब आर वैक्टर ये वाला आएगा इसमें, ये कितना डिस्टेंस है 4 है और ये 3 है, तो ये 4i कैप माइनस का 3j कैप, नीचे की तरफ है ना माइनस का 3j कैप, तो 4i कैप माइनस का 3j कैप, सही है, और डिवाइड में बेटा इसका पता ही लग रहा है 5 आएगा, 5 की होल पावर 3 है, तो 25 × 5 आ गया, तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया बेटा, और यहां से अगर हम देखें तो 10⁻³ बचेगा, और 10⁻³ मतलब 1000/5 राइट, 1000/5 कितना आएगा 200 आएगा, तो 200 × 9 ये 1800 आ गया, ठीक है 200 × 9 आ जाएगा हमारे पास 1800, हाँ तो 1800 4i कैप माइनस 3j कैप ये वैल्यू आ रही है। तो अब इन दोनों वेक्टर का सम है ये रिजल्टेंट, राइट रिजल्टेंट है ये, इसका मतलब हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग काम करना है, तो देखते हैं ये किस वे से इसका आंसर दे रहा है। तो ये 10⁻² तो बाहर लेके आ रहा है, इसका मतलब 9 बचेगा उधर की तरफ, 9 बचेगा और यहाँ पर ये 18 बचेगा, तो ये बेटा 9 जो है वहाँ पे देखें तो माइनस का 9i कैप 27j कैप, और यहाँ देखें तो 72i कैप है ना, 18 × 4 कितना आएगा 72i कैप माइनस 54j कैप, ठीक है 54j कैप, तो इसको अगर हम सॉल्व करें ये कहाँ गए, ओके तो ये वैल्यू हमें देखनी है, तो 72 − 9 अगर बात करें तो 72 − 9 आ जाएगा हमारे पास 63 राइट 63i कैप, और 27 और ये 27 ही बचेगा वो भी माइनस का, तो आंसर कितना आया 63i कैप माइनस 27j कैप और इनटू में 10⁻² बेटा, तो यहां से जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें मिल रही है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत, देखो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच तो छोटी सी थी इसकी,
तो ये ध्यान रखना वेक्टर मेथड भी यूज होता है, वेक्टर को भी यूज किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें बेटा। ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर थ्री कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडाई ए बी सी सच दैट देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर थ्री कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, ओके, और चार्ज डेंसिटी तीनों की इक्वल है। द टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम देयर कॉमन सेंटर वेयर आर इज लेस देन ए वुड बी, ओके, तो आर ए से कम है, मतलब अंदर वाला जो शेल है ना उसके अंदर भी हमसे पोटेंशियल पूछा है। तो इस टाइप से तीन शेल है बेटा, वन टू थ्री। तो इस पर चार्ज डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा है, इस पर भी सिग्मा होना चाहिए, इस पर भी सिग्मा होना चाहिए, इसका मतलब इस पर अगर चार्ज अगर मैं क्यू वन कंसिडर करूं, इस पर क्यू टू कंसिडर करूं, इस पर क्यू थ्री कंसिडर करूं, और रेडियस कितनी है ए बी एंड सी, तो यहां पे अगर मैं कोई पॉइंट पे पोटेंशियल पूछूं तो पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट, अंदर वाले शेल के कारण कितना आएगा, के क्यू वन बाय ए, फिर के क्यू टू बाय बी, फिर के क्यू थ्री बाय सी, ये लो पोटेंशियल आ गया। अब क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिग्मा हमें नहीं दे रखा, चार्ज डेंसिटी अगर मैं सिग्मा एज्यूम करूं तो सिग्मा कितना आएगा, क्यू वन बाय 4 पाई ए स्क्वायर, उसमें क्यू टू बाय 4 पाई बी स्क्वायर, उस वाले में क्यू थ्री बाय 4 पाई सी स्क्वायर, राइट। तो फिर क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री इनका इनका सबका जो सम आएगा वो कितना आएगा, फिर सिग्मा इंटू में 4 पाई ए स्क्वायर, सिग्मा इंटू में 4 पाई बी स्क्वायर, समझ रहे हो बात को, सिग्मा इंटू में 4 पाई सी स्क्वायर। देखो टोटल चार्ज क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री इज इक्वल टू क्यू आना चाहिए, यहां से सिग्मा की वैल्यू कितनी है, देखो क्यू बाय 4 पाई और ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लो सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब जब सिग्मा आपके पास है तो क्यू क्यू वन कितना है बेटा, क्यू वन जो है वो है सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, तो सिग्मा आपके पास आ चुका है, इसको 4 पाई ए स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 पाई ए स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितनी वैल्यू आएगी, फिर फाइनली 4 पाई ए स्क्वायर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो के अपॉन में ए है ना, तो 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा को ए 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर नीचे भी ए है, देखो तो ए बचेगा ऊपर, कंफर्म है, इसका मतलब के ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर आ गया, आया कि नहीं आया। ऐसे दूसरे पार्ट की बात करें, इसमें बात करें क्यू टू, क्यू टू सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर है, तो बाई बी बी है तो बी सी बी कट जाएगा, केवल b से मल्टीप्लाई करना है और सिग्मा से मल्टीप्लाई करना है, 4 पाई से 4 पाई भी कट जाएगा, इसका मतलब इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, के बी अपॉन में यही सेम क्वांटिटी आएगी, नेक्स्ट वाले के लिए के सी अपॉन में यही सेम क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है हमें कि जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आ जाएगी, के कॉमन बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है बड़ा, तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 27, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे बेटा आइए देखिए। टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स ए एंड बी विद रेस्पेक्टिव डायपोल मोमेंट्स डी ए माइनस 4 क्यू ए आई कैप एंड डी बी माइनस 2 क्यू ए आई कैप, ठीक है, आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस विद सेपरेशन आर। दो डायपोल्स रखे हैं अपन को, ठीक है, दो डायपोल्स अपन को दे रखे हैं आर डिस्टेंस पर, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन जो है डायपोल मोमेंट की वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, एक डायपोल इस तरफ है और दूसरा डायपोल इस तरफ है, और ये आर डिस्टेंस इन दोनों डायपोल्स के बीच की डिस्टेंस बेटा। तो अगर मैं इसको पी अज्यूम करूं तो ये 2p हो जाएगा ना, क्योंकि जस्ट इसका ट्वाइस है ये, ठीक है, ये ए वाला है और ये बी वाला है, यस। क्या पूछा, क्या द डिस्टेंस फ्रॉम ए एट विच बोथ ऑफ देम प्रोड्यूसेस द सेम पोटेंशियल इज, विच बोथ ऑफ देम प्रोड्यूसेस द सेम पोटेंशियल इज, ए से डिस्टेंस हमसे पूछी है क्या डिस्टेंस होगी और इसी एक्सिस पे, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट की बात करें बेटा, हम मान लीजिए डिस्टेंस जो है वो इस डायपोल से एक्स है, तो एक्स डिस्टेंस पर इस डायपोल से जो पोटेंशियल आएगा हमारे पास, उस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, केपी अपॉन में आर स्क्वायर, राइट, केपी अपॉन में आर स्क्वायर, तो 2 केपी, क्योंकि डायपोल मोमेंट पी है उसका, तो 2 केपी अपॉन में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा ये आर है तो ये आर माइनस एक्स आ जाएगा, इसका इस डायपोल मोमेंट का पोटेंशियल कितना आएगा, केपी अपॉन में
आर माइनस सॉरी कैपिटल आर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो केपी से केपी हट गया बेटा, अब बोथ साइड अगर अंडर रूट कर लें तो वैल्यू देखो कितनी आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 2 by x, √2 by x इक्वल्स टू 1/r - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2r - √2x इज इक्वल टू x, तो ये x पॉजिटिव आ जाएगा, तो √2r / √2+1। तो √2r / √2+1, तो ये 28th का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा हमारे पास, √2r / √2+1, राइट। आई थिंक मैंने सही किया है। तो ये क्वेश्चन एक बार वापस चेक करें हम, तो 2p and p, तो 2p का आ जाएगा 2kp / r³, मतलब x सॉरी r स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू kp kp अपॉन में r - x का होल स्क्वायर, राइट। तो √2 by x इज इक्वल टू 1/r - x, √2r - √x इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ओके। एक इसमें मैंने ब्लंडर मिस्टेक कर दी, देखो वो क्या, देखो पोटेंशियल इसने कहा इक्वल हो, तो मैंने बीच में पॉइंट ले लिया जो कि गलती है। गलती क्यों है देखो, एक बार देखो बेटा, एक डायपोल इस तरफ है 2p डायपोल मोमेंट, और दूसरा डायपोल मोमेंट भी इस तरफ है p। अगर मैं यहां पे आऊंगा तो इस डायपोल के कारण यहां पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, और इस वाले डायपोल मोमेंट के कारण यहां पे पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। तो पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता, पोटेंशियल मैग्नीट्यूड सेम करने के लिए बोला इसने, पोटेंशियल सेम करने के लिए बोला, इसका मतलब तो डिस्टेंस मुझे बाहर लेनी है x। तो अगर ये x यहां से कंसीडर करूं मैं, क्योंकि मुझे a से डिस्टेंस पूछी है, तो a से x ली, तो ये r है, ये पक्का x - r हो जाएगा p से। तो इस 2p के कारण x डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना आएगा, 2kp / x², राइट। और इस p के कारण, ये इस p के कारण पोटेंशियल कितना आएगा, kp / x - r² है ना। यहां पे ये मिस्टेक हो जाती बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो kp से kp रिमूव हो गया बेटा, अंडर रूट कर दीजिए, √2 by x इज इक्वल टू 1/x - r। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √2x - √2r इज इक्वल टू x, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो x बराबर कितना आया, √2r / √2-1। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लीज बेटा इस चीज का ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती हो सकती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 28th। नेक्स्ट है 29th। देखो, 4 equal point charges q each are placed in the xy plane at 0, 2, 4, 2, 4, -2 and 0, -2. The work required to put a fifth charge q at the origin of the coordinate system will be. तो चार चार्ज पार्टिकल्स दे रखे हैं बेटा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इन चार्ज पार्टिकल्स को अपन प्लेस कर देते हैं। तो पहला जो चार्ज पार्टिकल है वो 0, 2 पे है, ये 0 है, और सॉरी x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे 2 है, तो मतलब पार्टिकल यहां पे आ गया q। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 2 meter, राइट। नेक्स्ट है 4, 2 पे, 4 इस तरफ 2 इस तरफ, तो यहां पर भी सेम है, ये लो ये 4 आ गया और ये हाइट 2 है ही। थर्ड जो है वो 4, -2 पे, 4, -2 मतलब यहां पे आ जाएगा, तो 4, -2 नीचे वाला डिस्टेंस भी 2 के इक्वल है। एंड नेक्स्ट है 0, -2 मतलब यहां पर, ये लो, तो ये स्क्वायर बन रहा है। तो द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट ए फिफ्थ चार्ज क्यू एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कहां है, यहां पर है ना, यहां पर आपको चार्ज को रखना है, कितना चार्ज q, तो बताइए वर्क कितना करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, वर्क डन का मतलब है, आपसे वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, u फाइनल माइनस u इनिशियल, राइट। तो u फाइनल मतलब q into v फाइनल माइनस v इनिशियल, v इनिशियल का है इनफिनिटी पे, क्योंकि इनफिनिटी से लेके आए हो आप, तो इसकी तो वैल्यू 0 हो जाएगी। v फाइनल मतलब यहां पे पोटेंशियल निकालना आपको, इस वाले के कारण पोटेंशियल कितना आएगा q के कारण, तो vf की वैल्यू पूछिए अपन से, q के कारण पोटेंशियल कितना आएगा, kq/2, नीचे वाले के कारण भी kq/2, ठीक है। इस वाले के कारण कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितनी आएगी,
ये 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 16 प्लस 4 रूट 20 ना, ये रूट 20 आ गया, ठीक है, 16 प्लस 4 मतलब रूट 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू बाय रूट 20, और इसका भी सेम आएगा, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास के क्यू मतलब के क्यू बाई टू एंड के क्यू बाई टू के क्यू आ जाएगा, और ये 2 के क्यू बाई रूट 20 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास ये भी इवन रूट 20 को आप 4 इंटू 5 कर सकते हो, तो 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ गया, तो के क्यू इसमें से देखो कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 5, ये लो ये पोटेंशियल आ गया, और इसको आप क्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा, और के की वैल्यू आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है बेटा, तो इसमें ऑप्शन देख लो रूट 5 वाला, तो ये केवल यही मैच कर रहा है थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 30। चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू लोकेटेड एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डायपोल, डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू 2a, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल एंड ओपी इज द परपेंडिकुलर टू ए बी। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पी वेयर ओपी इक्वल्स टू वाई एंड वाई इज वेरी ग्रेटर देन 2a। इसका मतलब ये दोनों जो चार्ज मिल रहे हैं यहाँ पर वो चार्ज बेटा डायपोल को फॉर्म करेंगे, सीधी सी बात है माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो इतना मैं कह सकता हूं जो डायपोल मोमेंट होगा वो कुछ इस तरफ आएगा p वेक्टर, है ना, p इस तरफ आएगा, और p पॉइंट जो है y डिस्टेंस पर है, तो y डिस्टेंस पर ये इक्वेटोरियल पोजीशन आ गई, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है दैट इज k p अपॉन में r क्यूब, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब ये कह रहा है कि इस एक्सिस पर द चार्ज q एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स f इफ q इज नाउ मूव अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन टू p डैश सच दैट OP dash equals to y by 3, the force on Q will be close to, force कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि ये distance R पे depend कर रहा है, Y पे depend कर रहा है, Y ले लो या R ले लो जो भी है, तो जब ये charge Q P पे था ना तो force F लग रहा था, और force जो होगा वो Q into E के equal होगा, तो Q तो same ही है, इसका मतलब force directly proportional to E, तो force कब बढ़ेगा, जब E बढ़ेगा, या कब घटेगा, जब E घटेगा, तो E जो है dipole के कारण KP upon में R cube होता है, तो जब फोर्स जब ये डिस्टेंस जब आर वाई था ना तो फोर्स एफ था, राइट, तो एफ इक्वल्स टू के पी अपॉन में वाई क्यू, करेक्ट, और जब आपने डिस्टेंस वाई बाय थ्री कर दी तो फोर्स कितना हो जाएगा, एफ डैश इक्वल्स टू के पी अपॉन में वाई बाय थ्री की होल पावर थ्री, तो कितना आ जाएगा वाई बाय थ्री एंड 27 आ जाएगा यहां पर, तो के पी बाय वाई क्यूब जो एफ के इक्वल है, तो 27 एफ के इक्वल फोर्स आ जाएगा 27 F, तो ये हमारे पास 30 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ, तो ग्राफ आपको दे रखा है, इसके बारे में बताना है कि ये ग्राफ किसका है, पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर स्फेरिकल शेल, तो देखो ये शेल है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है इसके बारे में कंफर्म करना है, तो ये जो ग्राफ है आपने देखा होगा कि अगर किसी शेल को यूनिफॉर्मली आप चार्ज कर दो तो शेल के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स हो जाती है, कॉन्स्टेंट रहती है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है बेटा, और फिर देन 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो अंदर जीरो होता है शेल के अंदर, ठीक है, और यूनिफॉर्मली स्फीयर होता, चार्ज स्फीयर होता, देन स्ट्रेट लाइन होता इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और पोटेंशियल के लिए ऊपर पैराबोलिक आता, देन फिर 1/r के प्रोपोर्शनल आता। इसका मतलब ये ग्राफ किसका है, पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा। काफी सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये, ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड बेटा एग्जाम में मोस्टली जेई के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ग्राफ का जरा थोड़ा ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। थ्री चार्जेस क्यू स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एज शोन द डायग्राम, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन जीरो इफ द वैल्यू ऑफ क्यू इज, तो क्यू की वैल्यू बताने से कि पोटेंशियल जीरो हो बेटा, तो पोटेंशियल अगर हम फाइंड आउट करें तो पेयर कितने बन रहे हैं इसके अंदर, देखो ये थ्री पेयर्स यहाँ पे बन रहे हैं, इस वाले की इसके साथ पेयर की एनर्जी कितनी आएगी, के क्यू स्मॉल क्यू बाय ये डिस्टेंस मान लीजिए आर है, ये आर है, तो ये रूट टू आर हो जाएगा बेटा, तो के क्यू बाय स्मॉल आर, इस वाले पेयर की एनर्जी कितनी आएगी, प्लस के क्यू इंटू क्यू के क्यू स्क्वायर बाय आर, और इस वाले पेयर की एनर्जी कितनी आएगी, प्लस के क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाय रूट टू आर, बराबर जीरो आना चाहिए टोटल, तो यहां से बेटा आर तो हट गया, आर हट जाएगा, के भी रिमूव हो गया देखो, और एक क्यू भी हट जाएगा, ठीक है, यहां से ये क्यू भी हट गया, तो क्यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी, तो यहां पे क्यू बाई रूट टू और यहां पर क्यू है, तो क्यू ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट टू, ठीक है, 1 प्लस 1 बाई रूट टू, और इस तरफ आ जाएगा माइनस का क्यू, तो क्यू बराबर आ जाएगा रूट टू अपॉन में 1 प्लस रूट टू, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाई टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. ठीक है, द वैल्यू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज दिस गिवन है. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल. तो इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू कितना होता है बेटा, माइनस का पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई मतलब माइनस पी कॉस थीटा. तो आपको यहां पर सारी वैल्यूज दे रखी है. देखो डायपोल मोमेंट 10 टू द पावर माइनस 29 है, तो 10 टू द पावर माइनस 29. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है 1000 और एंगल कितना गिवन है बेटा 45. तो कॉस 45 मतलब 1/√2 आ जाएगा यहां पर. ठीक है, तो इसकी रफली वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, कैलकुलेट करना है आपको. तो ये आ जाएगा हमारे पास यू इक्वल टू नेगेटिव में तो वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 26 और वैसे यहां पर 27, 29, 18 भी दे रखा है. तो यहाँ पे 1 है, तो एक काम करें यहाँ पर रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए. ऊपर रूट 2 आ गया, नीचे 2 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई. और उसके बाद रूट 2 होता 1.414, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0.7, इसका मतलब माइनस 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 जूल आ जाएगा. ये अगर देखें अपन तो 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द माइनस 27, यस थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 34. देर इज अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द ओरिजिन. द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इनिशियल एट रेस्ट एंड स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल रिपल्शन. द फिगर दैट रिप्रेजेंट्स बेस्ट द स्पीड वी आर टी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज ए फंक्शन ऑफ इट्स इंस्टेंटेनियस रेडियस आर टी इज. मतलब आपने किसी शेल को चार्ज दे दिया, ठीक है, उसके पास मास भी है और ड्यू टू रिपल्शन वो फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है. तो आपसे पूछा है कि किसी इंस्टेंट पर उसकी जो रेडियल स्पीड है एक्सपेंशन की, वो उसकी जो रेडियस है शेल की, उसके साथ किस तरीके से उसका ग्राफ बनेगा, वेरी करेगा वेलोसिटी. ठीक है, तो देखिए बेटा इधर जैसे ये शेल है, राइट, इस शेल पे बेटा आपने एक एलिमेंट ले लिया है ना, और मान लीजिए शेल की अभी जो रेडियस है वो कैपिटल आर के इक्वल है, इनिशियल रेडियस आर नॉट थी. इस शेल पर जो मैंने एलिमेंट लिया छोटा सा, इस एलिमेंट का एरिया मैंने डी ए कंसिडर कर लिया, तो चार्ज डेंसिटी अभी इस इंस्टेंट पर मैंने सिग्मा अज्यूम कर ली और मास भी डिस्ट्रीब्यूट है, तो यूनिट एरिया पे जो मास है उसको मैंने सिग्मा एस से लिख दिया. सिग्मा एस मतलब मास डेंसिटी है यूनिट एरिया वाली, ठीक है, सरफेस मास डेंसिटी. ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है. तो इस एलिमेंट का जो चार्ज आएगा उसको मैं लिख सकता हूं डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इन टू डी ए, ये चार्ज आ गया. और रिमेनिंग पार्ट जो आपको दिख रहा है, इस रिमेनिंग पार्ट का यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो जस्ट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन के इक्वल होता है. ठीक है, ताकि इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जुड़ करके सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो जाए. तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, और इस एलिमेंट को यहां पर रखा हो तो इस एलिमेंट पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितना आ जाएगा, क्यू इंटू ई. क्यू कितना है, सिग्मा इंटू डी ए, और ई कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा बाय 2 एप्सिलॉन. ये फोर्स आ गया बेटा. ये फोर्स किस पे लग रहा है, इस एलिमेंट पे लग रहा है. तो ये फोर्स लगेगा तो ये एक्सेलरेट होगा. इस एलिमेंट का मास कितना आएगा, मास डेंसिटी जो है मैंने सिग्मा एस लिख रखी है यहां पर, तो यूनिट एरिया का मास सिग्मा एस है, तो डी एरिया का मास कितना आएगा, सिग्मा एस इनटू डी, तो ये डीएम आ गया, इसका मास आ गया. तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया ए. तो यहां से डी ए से देखो डी ए कैंसिल आउट हो गया. अब सिग्मा जो है वो चार्ज डेंसिटी है, लेट्स से चार्ज ऑन द शेल इज क्यू, वो तो फिक्स ही रहेगा. तो सिग्मा क्या आ जाएगा, क्यू ओपन में 4πr², तो सिग्मा स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर. मतलब अगर सारे कांस्टेंट है, बाकी सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है, 4π एप्सिलॉन वगैरह, तो यहां पर q स्क्वायर अपॉन में 4πr का होल स्क्वायर, मतलब 1/r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल आ गया नीचे. तो ये सिग्मा स्क्वायर बोले तो 1/r की पावर 4, और सिग्मा s डिवाइड में जाएगा, सिग्मा s आएगा m अपॉन में 4πr², मास अपॉन में एरिया 4πr², तो r स्क्वायर ऊपर आ जाएगा. और कोई कांस्टेंट मान लीजिए k, बाकी सारे कांस्टेंट है बराबर है, तो यहां से r² कटा, तो a जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल आ रहा है बेटा. तो इस ये जो पार्टिकल जो जो आपने एलिमेंट लिया है जो एक्सपेंड हो रहा है बेटा, ये शेल, उसका जो एक्सेलरेशन है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है. क्लियर, 1/r² के, क्योंकि हमें रफली ग्राफ ड्रॉ करना है. तो a जो है वो k/r² के इक्वल है, और a बेटा मैं लिख सकता हूं v dv/dr, ठीक है, रेडियस के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो vdv इज इक्वल टू के और 1/r² और इस तरफ आगे dr. इंटीग्रेट कर दें बेटा. जैसे r की वैल्यू अगर r नॉट है तो वेलोसिटी 0 थी शेल की, और जब r की वैल्यू r होगी तो वेलोसिटी v हो गई. अब आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे v² / 2 आ जाएगा, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट 0, तो v² / 2 आ गया यहां पर, बराबर k 1/r² बेटा. 1/r² का इंटीग्रेशन होता माइनस का 1/r, तो माइनस का 1/r लिमिट चाहे लगा दो, पलट दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/r0 - 1/r.
तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, और यहां से अगर आप देखो तो ये पैराबोला की इक्वेशन बन रही है बेटा, है ना, इस टाइप की फीलिंग आ रही है हमें। नहीं, पैराबोला की तो नहीं है। आर की वैल्यू जैसे जैसे राइज करोगे वैसे से ये वाली क्वांटिटी डिक्रीज होगी, ये वाली क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये तो दिख रहा है यहां पर, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बेटा फ्रॉम दिस रिलेशन, है ना। तो वी स्क्वायर जो है, बाकी टू को भी कॉन्स्टेंट बना दो तो वन अपॉन आर नॉट, ये तो कॉन्स्टेंट है पूरा, है ना, तो इसको पूरे को ही कॉन्स्टेंट चलो रहने दो, माइनस वन बाय आर। कुछ इस टाइप से ही वेलोसिटी का रिलेशन है बेटा, ठीक है, कुछ इस टाइप से वेलोसिटी का रिलेशन है। तो यहां से अगर हम ग्राफ को चेक करें तो इतना तो कंफर्म है कि आर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, राइज हो रही है, लगातार राइज होती जाएगी, इस रिलेशन से स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है हमें, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये वापस जाके स्टडी हो रहा है, ये भी गड़बड़ हो गया। तो फर्स्ट एंड जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें से ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए। अब फोर्थ, फर्स्ट में तो लगातार इंक्रीज हो रहा है और फोर्थ में भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो स्लोप है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है बेटा। स्लोप की बात करें तो स्लोप लगातार इसका डिक्रीज हो रहा है, और स्लोप अगर आर बराबर जीरो पे देखें या इसको लगातार देखें अपन वैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमें फर्दर इसको डीवी बाई डी आर करके उससे स्लोप की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं बेटा, आर के साथ अगर ग्राफ ड्रॉ करूं, यहां पर ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो ये वाली क्वांटिटी पूरे को मैं सपोज ए कंसीडर कर लूं और ये माइनस ये बी बाय आर को एज ए एक्स मान लो, ठीक है। तो अगर ये ए नहीं होता तो वी स्क्वायर जो है वो माइनस वन अपॉन एक्स के प्रोपोर्शनल है, या इसका बेटर वे ये है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे वी आर के रेस्पेक्ट में करूं तो टू वी इंटू डी वी बाई डी आर आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो माइनस का वन अपॉन के बाय आर का माइनस का के बाय आर स्क्वायर हो जाएगा यहां पर डिफरेंशिएशन, राइट। यहां से वैल्यू आ गई, और यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें बेटा तो डीवी बाई डी आर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस, ये तो नेगेटिव है, माइनस का के बाय आर स्क्वायर और अपॉन में वी है बेटा, ठीक है, वी है, तो वी की जो वैल्यू है वो यहां से हमारे पास आ जाएगी वन अपॉन आर नॉट माइनस वन अपॉन आर, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा वी, है ना, इस टाइप से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो ये अगर क्वांटिटी देखें अपन तो ये वाली क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव के इक्वल आ रही है, राइट, माइनस वन अपॉन के माइनस के बाय आर स्क्वायर है, और आर यह हालांकि यहाँ पे नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस तो रखना ही पड़ेगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा के, ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारे पास आर माइनस आर नॉट, और ये आ जाएगा अंडर रूट में, या आर स्क्वायर को आप अंदर ले जा सकते हो चाहो तो आर स्क्वायर को अगर अंदर लेके जाएं तो आर की पावर फोर माइनस आर की पावर फोर, इसको हटा दो यहां से, ठीक है, तो ये आ जाएगा आर की पावर थ्री या आर की पावर फोर। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो यहां पर आर की वैल्यू इंक्रीज रखने पर, बढ़ाने पर, आर जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो डीवी बाई डी आर की जो वैल्यू लगातार डिक्रीज होगी, मतलब स्लोप डिक्रीज होगा बेटा, स्लोप बेटा इसी ग्राफ के अंदर डिक्रीज हो रहा है, देखो इस वाले ग्राफ के अंदर स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन हालांकि इक्वेशन बन गई थी हमसे, ठीक है, तो ग्राफ को ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है तो वो हम ऑप्शन से ही इसको देखेंगे बेटा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 35, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। तो आपको डायपोल मोमेंट इसका फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, माइनस टू क्यू क्यू प्लस क्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा, तो इस माइनस टू क्यू को अपन दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, देखो माइनस क्यू इस तरह प्लस क्यू, यहां पर माइनस क्यू इस तरह प्लस क्यू, ठीक है। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण एक तो पेयर ये बन गया, इसका डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, पी इक्वल्स टू क्यू इंटू एल, और इस वाले का भी डायपोल मोमेंट इस तरफ आ जाएगा पी इक्वल्स टू क्यू इंटू एल आ गया, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना 60 है, तो ऑब्वियसली दोनों जो वैक्टर्स हैं वो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, तो रिजल्टेंट डेफिनेटली इसी तरफ आएगा एकदम एंगल बाय सेक्टर पे, और उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आएगी, पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर प्लस टू पी इंटू कॉस 60, कॉस 60 वन बाई टू, तो वैल्यू आ जाएगी रूट थ्री टाइम्स ऑफ पी, रूट थ्री टाइम्स ऑफ पी मतलब रूट थ्री, पी की वैल्यू कितनी है क्यू एल, और डायरेक्शन कौन सी बेटा नेगेटिव जे कैप की तरफ है, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट थ्री क्यू एल जे कैप, तो थर्ड ऑप्शन का बेटा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 36,
ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग ए चार्ज क्यू इज सराउंडेड बाय एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल शेल. लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सर्फेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड दैट ऑफ द आउटर सर्फेस ऑफ द होलो शेल बी वी. इफ द शेल इज नाउ गिवन ए चार्ज -4q, द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम टू सर्फेसेस. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बेटा ये. देखिए, दो शेल है आपके पास. आपने जैसे मान लीजिए इस शेल की रेडियस है ए और बाहर वाले की बी है, या इस स्फीयर की रेडियस है ए बाहर वाले शेल की बी है. इस पे चार्ज मान लीजिए आपने q1 दिया और इस पे चार्ज मान लीजिए q2 दिया. और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वो अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो रिलेशन क्या आएगा. देखो सबसे पहले इस शेल पे, अंदर वाली शेल पे पोटेंशियल कितना आएगा ड्यू टू इनर स्फीयर विच इज k q1 बाय a. ये पोटेंशियल अंदर वाले शेल के कारण यहां पॉइंट पे आ गया. इस वाले शेल के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, प्लस k q2 बाय b. ये पोटेंशियल अंदर वाले स्फीयर की सरफेस पे आया है दोनों के कारण. ये पोटेंशियल यहां पे आ चुका है. अब मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछूं तो अंदर वाले के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, k q1 बाय b, और बाहर वाले के कारण कितना आएगा इस पॉइंट पर, प्लस k q2 बाय b. अब सब्ट्रैक्शन अगर आप करोगे तो k q2 बाय b, q q2 बाय b कट जाएगा ये माइनस होने के बाद, और k q1 बाय b और k q1 बाय a सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यू कितनी आएगी, k q1 ब्रैकेट 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, है ना. तो आप देखो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अंदर वाले स्फीयर जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसके चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, बाहर वाले पर डिपेंड नहीं कर रहा. बाहर वाले पर कितना ही देते रहो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा बेटा. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा सेकंड ऑप्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. 37, आइए. एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज फॉर्म्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्यू विद सेपरेशन डी. ठीक है, द चार्जेस हैव द सेम मास एम. It is kept in uniform electric field E. If it is slightly rotated from its equilibrium orientation, then its angular frequency omega is. देखो ये electric field है बेटा. ठीक है, आपने इस electric field के अंदर अगर एक dipole को slightly displace करके छोड़ दिया, जैसे ये dipole है, ये plus q, ये minus q, length suppose बेटा ये l है ना. Distance, अच्छा ये distance d दे रखी है, मैंने यहाँ पे l consider कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, d को हम l रख देंगे बाद में. इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और ये जो डायरेक्शन है इसकी, इसके साथ वो थीटा है. मैंने स्लाइटली हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ा, तो इस डायपोल पर लगने वाला टॉर्क होगा, उस टॉर्क की वैल्यू हम जानते हैं पी क्रॉस ई होता है. तो टॉर्क पी क्रॉस ई, और पी की जो वैल्यू है वो क्यू इंटू में एल होगा इंटू ई इंटू में साइन थीटा. इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा ऑलमोस्ट थीटा हो जाएगा. ये टॉर्क आ गया, टॉर्क आएगा तो ये इसको रोटेट करेगा, घुमाएगा, तो टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बेटा. इसका मास m है और इस वाले का मास भी m है, यही दे रखा है, दोनों का मास क्या है सेम है m, और ये l by 2 है. तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, m into l square by 4, mr square होता है, तो m into l by 2 का whole square, ml square by 4, इस वाले का भी ml square by 4, तो टोटल कितना आया, ml square by 4 plus ml square by 4, ml square by 2. तो इस असेंबली का इसके सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है ml square by 2, करेक्ट, ml square by 2 आ गया, into में alpha. यहां से बेटा देखो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखो 2QE बाय ML और इंटू में थीटा, ये अल्फा का मॉड्यूलस है. तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन थीटा के प्रोपोर्शनल आता है, दैट मींस जो मोशन होती है वो एंगुलर SHM होती है, और एंगुलर SHM के लिए ये वाला जो पार्ट है बेटा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है. तो ओमेगा बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट में 2QE बाय ML, और L को क्या लिखा है D. तो 37 का बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा. ठीक है, तो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम ए पॉजिटिव लाइन चार्ज विद यूनिफॉर्म डेंसिटी. तो ये लाइन चार्ज है, इसकी डेंसिटी जो है वो लैम्डा कंसीडर कर लेते हैं. तो इसकी लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन यही कंसीडर करेंगे इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है. The speed v of the point charge as function of instantaneous distance r from the line charge is proportional to. तो आपने r नोट से इसको रिलीज किया, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन चार्ज के कारण हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर किस तरीके से वैरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जानते हो 2k λr, अगर r डिस्टेंस है तो. और इलेक्ट्रिक फील्ड को q से अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, सपोज चार्ज की वैल्यू q है, तो इतना फोर्स लगेगा ना, ये फोर्स लगा.
अब जब ये फोर्स इतना है तो फोर्स को हमें वेलोसिटी पूछिए, वो भी डिस्टेंस आर के साथ। ये फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, एम इनटू ए, और ए को बेटा मैं लिख सकता हूं वी डीवी बाय डीआर। ये लो, तो यहां से देखो 2k लैम्डा m, ये सारे कांस्टेंट है, क्यू भी इवन कांस्टेंट है, तो ये सारा पार्ट जो है ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। यहां dr को इधर ले जाएं तो इस पूरे पार्ट को k से डिनोट कर देता हूं, ये r है, इधर dr आ गया और इधर आ गया vdv, करेक्ट। तो इसको जब रिलीज करोगे बेटा तो v बराबर 0 था कहां पर, r नॉट पर, r की वैल्यू जब r नॉट थी, और v की वैल्यू v होगी जब r की वैल्यू r के इक्वल है, तो k बाय r का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ln r आएगा, तो k तो बाहर आ गया कांस्टेंट बाहर, ये ln r अपर लिमिट r लोअर लिमिट r नॉट, तो r बाय r नॉट आ गया बेटा ये, और इस तरफ कितना आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर बाय 2, तो 2 इस तरफ ले जाओ आप, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, इसको हटा दो, और 2 मल्टीप्लाई में आने के बाद बाकी प्रोपोर्शनलिटी का हमसे पूछा है, तो यहां से हम लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू, अच्छा अनरूट भी है, इवन v स्क्वायर है तो अनरूट है, तो ये अनरूट कर दो इस तरफ, तो ln अनरूट में ln r बाय r नॉट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा। तो इसमें 38 का क्वेश्चन कौन सा आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 39। देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय ई वैक्टर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आई कैप, वेयर ई इज इन न्यूटन पर कूलम एंड एक्स इज द मीटर, द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू दे रखी है, इफ द पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू वन इज वी वन एंड दैट एक्स इक्वल टू माइनस फाइव इज वी टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी वन माइनस वी टू। वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ई वैक्टर आपको दे रखा है बेटा, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एक्स, या ई डी एक्स होगा सिंपली, डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि e बराबर माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स होता है, तो e, तो डी वी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का e इंटू डी एक्स। एक्स की वैल्यू जो 1 है तो v की वैल्यू v1 है, और जब x की वैल्यू माइनस फाइव है, ध्यान से रखना माइनस फाइव, यहां पे माइनस फाइव रखना है, तो v की वैल्यू v2 है बेटा, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, यहां पे dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v2 माइनस v1 आ जाएगा, और माइनस है इसको इधर ले जाओ तो v1 माइनस v2 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में v1 माइनस v2 हो गया, क्योंकि इस माइनस को मैं वहां एडजस्ट कर चुका हूं, और इंटीग्रेशन यहां पे क्या बचेगा, e dx, e की वैल्यू ax plus b है बेटा, a की वैल्यू 20 है, x plus b की वैल्यू 10 है dx, और यहां 1 से माइनस 5 के लिए आपको इंटीग्रेट करना है, तो 20 x स्क्वायर बाय 2, तो 2 ये x स्क्वायर 1 से माइनस 5 प्लस यहां जाएगा 10x x, और यह आ जाएगा 1 से माइनस 5। इसको सॉल्व करें बेटा तो ये 10 आ गया, और इसको सॉल्व करने पर 10 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, तो माइनस फाइव का स्क्वायर मतलब 25, माइनस 1 आ जाएगा ये, प्लस 10 ये आ जाएगा माइनस का 5 माइनस 1, राइट, तो 25 माइनस 1 मतलब 24, तो ये 240 आ गया इस तरफ, तो इस तरफ वाला प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 5 और माइनस 1 माइनस 6, तो माइनस का 60 आ गया ये, माइनस का 60 आ जाएगा, तो 240 माइनस 60 की अगर हम बात करें तो यह आ जाएगा 180 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन बेटा इसमें करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, 39 का हमारे पास आंसर आ जाएगा फोर्थ, 180 वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन द फिगर, 3 पॉइंट चार्ज आपको दे रखे हैं, देखो क्यू माइनस क्यू कैपिटल क्यू, ये डिस्टेंस डी है, D is very very greater than small d, then the potential energy of the system is best given by, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है बेटा। तो पहले तो देखो ये एक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, Q माइनस Q, ठीक है, एक छोटा डायपोल है ये, इस डायपोल की खुद की भी जो एनर्जी होगी K Q Q2 by R, तो इस डायपोल की खुद की एनर्जी कितनी आएगी, माइनस K Q स्क्वायर by D, ये इस डायपोल की एनर्जी आ गई, आ गई। अब ये डायपोल की अगर हम डायरेक्शन देखें तो माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो डायपोल मोमेंट कुछ इस तरफ होगा, और इस डायपोल के कारण जो ये क्यू चार्ज है बेटा, इस क्यू चार्ज की जो डिस्टेंस है वो डी दे रखी है आपको, तो इस क्यू चार्ज की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, वो एनर्जी हमें लिखनी है यहां पर, तो पी वैक्टर इस तरफ है देखो, तो यहां पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी वैक्टर के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड पी की डायरेक्शन में होगा, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और चार्ज हमें यहां पर दे रखा है हालांकि, ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी हमें निकालनी, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी है, एक पोटेंशियल वाला भी है, तो पोटेंशियल वाले से करते हैं, तो डायपोल मोमेंट के कारण या डायपोल के कारण डी डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल आएगा इस तरफ, तो पोटेंशियल डेफिनेटली नेगेटिव होगा,
क्योंकि माइनस क्यू यहाँ पे पास में है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है बेटा, के पी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 180 आ जाएगी, तो माइनस आ जाएगा अपॉन में डी स्क्वायर, ये पोटेंशियल आ गया। और पोटेंशियल को इस क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस चार्ज की एनर्जी भी आ गई। तो पूरे सिस्टम की एनर्जी की बात करें बेटा, तो यहां पर माइनस, ठीक है, माइनस के पी क्यू बाय डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखना हमें, सेटल करना है, पी की वैल्यू भी रखनी इवन, तो माइनस को बाहर लेके आना है हमें, तो माइनस माइनस, अच्छा फोर्थ एंड फर्स्ट में देखो माइनस आ रहा है दोनों में, तो बट उन दोनों में फर्क क्या है, यहां पर 2d स्क्वायर आ रहा है उसके अंदर, इसके अंदर नहीं आ रहा। इसमें देखो तो p की वैल्यू कितनी आएगी, q इंटू में d आ जाएगा, स्मॉल d आ जाएगा, राइट, स्मॉल d के बराबर आ जाएगा ये। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के q स्क्वायर बाय d, माइनस के q स्मॉल d कैपिटल q बाय कैपिटल d स्क्वायर, राइट। तो यहां से अगर k को बाहर ले लें तो 1/4 pi epsilon 0 ये मैच कर रहा है, बाकी ये भी मैच कर रहा है, बाकी ये भी मैच कर रहा है बेटा। देखो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन। तो 40 का करेक्ट आंसर जो है बेटा वो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जो येलो जी हो गया नंबर ऑफ नंबर क्वेश्चन जो है वो 40 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, देखिए फोर पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस एट डिस्टेंस माइनस टू डी माइनस डी प्लस डी प्लस टू डी रेस्पेक्टिवली। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल्स टू डी विद द कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी विल बिहेव एज, ओके। तो डी के साथ हमसे रिलेशन पूछा है यहां पर, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट चार्ज जो है माइनस क्यू है, जो कि वाई बराबर माइनस टू डी पे आपने रखा है। फिर चार्ज रखा है प्लस क्यू, ठीक है, डी डिस्टेंस पर। तो ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस टू डी है, माइनस का है तो नेगेटिव डायरेक्शन आ गई। नेक्स्ट चार्ज है अगेन प्लस क्यू, जो कि आपने अगेन डी डिस्टेंस पर रखा है, ओरिजिन से देखा जाए तो योर डिस्टेंस डी है। और देन फिर माइनस क्यू चार्ज रखा है वापस, ये डिस्टेंस कितनी है टू डी, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपने चार्जेस को रखा हुआ बेटा, ओके। और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है एक्स एक्सिस पर कैपिटल डी डिस्टेंस पर, यहां पर, एंड डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, डी स्मॉल डी से बहुत ज्यादा है बेटा। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो एक चीज देखो आप, ये दोनों जो चार्ज हैं, ठीक है, जैसे रिंग होती है ना, तो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, के क्यू अपोन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू में एक्स, ठीक है, ये रिंग के कारण है। तो वैसे जब दो चार्ज है ना, तो दो चार्ज को आप एज ए रिंग पर कंसीडर कर सकते हो। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 2q आ जाएगा, और रेडियस कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगी, रेडियस डी हो जाएगी, और एक्स कितना हो जाएगा, कैपिटल डी हो जाएगा। तो इन दोनों चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू की जगह रख दूंगा टोटल चार्ज 2q, इन दोनों चार्ज के को रिंग पे कंसीडर करूं तो, और एक्स की वैल्यू डी है अपॉन आर जो है रेडियस वो डी है, स्मॉल डी मतलब स्मॉल डी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर होल पावर 3/2, ये आगे वैल्यू। और ये जो नेगेटिव चार्ज दोनों के दोनों, ये भी एज ए रिंग पर कंसिडर कर सकते हो, लेकिन इनकी रिंग की रेडियस 2d हो जाएगी और सेंटर डिस्टेंस कैपिटल डी है। तो इन दोनों के कारण नेगेटिव कारण इस तरफ आएगा, खुद की तरफ आएगा, अपोजिट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस 2q इसके लिए भी, और डिस्टेंस वही डी अपॉन, यहां पर 2d है बेटा, 2d का स्क्वायर मतलब 4d स्क्वायर, ठीक है, प्लस कैपिटल डी स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगा इस पॉइंट पर, ये। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा करके अपन इसको सेटल डाउन करते हैं, क्योंकि कैपिटल डी जो स्मॉल डी के कंपेटिवली बहुत ज्यादा है बेटा। तो इसमें अप्रोक्सीमेशन हम लगाएंगे और उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो देखो 2qd जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको बाहर ले आओ 2kqd। इसमें एक काम कर सकते हैं, डी स्क्वेयर को आप बाहर लाओगे तो डी स्क्वेयर की पावर 3/2, तो डी क्यूब बचेगा बाहर, है ना। फिर इसमें से भी डी क्यूब बाहर ले आओ आप, तो डी और डी स्क्वेयर नीचे डी स्क्वेयर बचेगा, तो ये डी हट जाएगा, तो नीचे डी स्क्वेयर आ गया। अब यहां पर क्या बचेगा, 1 + d² / D² पावर 3/2 है, इसको ऊपर लेके जाओ, बायनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, पावर -3/2 आ जाएगा, तो 1 - 3/2, ध्यान से देखना 3/2
डी स्क्वेयर अपॉन में कैपिटल डी स्क्वेयर, ये वैल्यू आ गई है ना। और यहां पर देखा जाए तो यहां पर ये माइनस साइन है, इसमें देखो इसमें भी सेम अप्रोच लगानी हमें, ये भी वन आ जाएगा, इसमें भी पावर थ्री बाई टू आएगा, लेकिन ध्यान रखना यहां पर फोर डी स्क्वेयर है तो डी स्क्वेयर के बाजू में फोर जरूर आएगा, तो वन माइनस फोर मतलब ट्वेल्व डी स्क्वेयर बाय टू डी स्क्वेयर, ठीक है कहीं गलती नहीं हो तो लगभग सही किया हमने। अब ये माइनस को अगर आप ओपन कर दोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको ओपन कर दो तो ये वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो यहां से अगर आप देखो तो 12 डी स्क्वेयर बाई टू डी स्क्वेयर और 12 माइनस टू थ्री मतलब ये 9 आ जाएगा, 9 डी स्क्वेयर बाय टू डी स्क्वेयर आ गया, 2 कैपिटल डी स्क्वेयर, तो डी की पावर 2 यहां से भी आ रहा है और डी की पावर 2 यहां पे भी आ रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 अपॉन में डी की पावर 4 आया कि नहीं आया, तो जो ई है ना वो डी की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। तो यहां से अगर आप ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन का पूरी तरह से मैच कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बबन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आइए। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस 3a एंड टोटल चार्ज q इज प्लेस्ड इन xy प्लेन, ओके सेंटर्ड एट ओरिजिन, ए पॉइंट चार्ज q इज मूविंग टुवर्ड्स द रिंग अलोंग द z एक्सिस एंड हैज स्पीड v एट z इक्वल्स टू 4a, द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सच दैट इट क्रॉसेस द ओरिजिन इज, ओके तो मिनिमम वैल्यू v की क्या होनी चाहिए जिससे कि ओरिजिन को क्रॉस करे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, ये रिंग है और आपने इस रिंग पे चार्ज कितना दे रखा है q और रेडियस कितनी है ये 3a और ये 4a डिस्टेंस पर यहां से यहां तक, ये देखो यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज की वैल्यू भी क्या है q के इक्वल है ना, और इसको फिक्स रखा हुआ है, रिंग को क्या कर रखा है फिक्स कर रखा बेटा, और आपने यहां पर वेलोसिटी कितनी दे रखी, इसको v दे रखी और आपसे पूछा है कि v की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि ओरिजिन को सेंटर को क्रॉस कर जाए, क्योंकि वैसे प्लस प्लस में रिपल्शन होगा तो आपको उल्टा स्पीड देनी पड़ेगी इसको, ठीक है। तो स्पीड दोगे बेटा तो यहां पर तो स्पीड अगर हम दें बेटा यहां पर, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ एम वी स्क्वेयर, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो रिंग के कारण ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 5a, तो रिंग का जो पोटेंशियल आएगा के क्यू अपॉन में 5a और इंटू में क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा एनर्जी आ जाएगी इज इक्वल टू, जब वो चार्ज पार्टिकल सेंटर को क्रॉस करेगा तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए जीरो, ताकि जस्ट वो पहुंच जाए, प्लस पोटेंशियल वहां पे कितना आएगा रिंग के कारण सेंटर पे पोटेंशियल कितना आएगा के क्यू बाय 3a, ये पोटेंशियल आ गया और इंटू में हमें क्या करना है चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहां पर हमारे पास एनर्जी आ गई। तो वी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी बेटा, तो यहां से देखो एम वी स्क्वेयर बाई टू करेक्ट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 3 है और के क्यू स्क्वायर बाय 5 है, तो के क्यू स्क्वायर बटा बाय ए कॉमन आ गया 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 5 है, तो यह आ जाएगा एलसीएम 15, तो यह आ जाएगा 2 यहां पर राइट 2 बाय 15, तो ये 2 को आप चाहो तो ऊपर ले जाओ, ये 4 आ गया यहां पर, ठीक है। और हमें यहां पर वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो 4 बाय 15 का अंडर रूट जरूर आएगा और k जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और q स्क्वायर भी आ रहा है यहाँ पे, a भी आ रहा है, तो अगर आप गौर से देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच करना चाहिए तो आप पता लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो 4 है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी 15 भी आ रहा है, तो 15 और 4 जो देखा जाए वो यहाँ पर भी मैच कर रहा है और यहाँ पर भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो और फर्स्ट में भी मैच कर रहा है 4 बट ऊपर नहीं आ रहा राइट ओके, तो लेकिन यहाँ पर ये 2 है देखो और ये रूट 2 है, तो अगर आप गौर से देखो तो ये अंडर रूट है यहां पर, तो ये अंडर रूट का 2 है, अंडर रूट 2 मतलब 2 हो जाएगा यहां पर राइट, ये भी ठीक है। और उसके अलावा उसके अलावा देखा जाए बेटा तो यहां पर 4 था, 4 आया था, तो v की वैल्यू मतलब अच्छा 2 आना चाहिए ना, 4 का अंडर रूट 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 2 आ जाएगा, लेकिन यहां पर ये 4 का अंडर रूट 2 है और 2 रूट 2 आएगा यहां से तो 2 रूट 2 आ रहा है और यहां से देखो 2 आ रहा है रूट 2 एंड रूट 2, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन यहां पर मैच कर जाएगा ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
हाँ बेटा, तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, दो प्लेन चार्ज सरफेस आपको गिवन है और इस बॉब पे चार्ज क्यू है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो सीधी सी बात है जो इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन आएगा इस बॉब पर वो किसके इक्वल आएगा, जी तो डाउनवर्ड है, जी स्क्वेयर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना आएगा, क्यू ई बाई एम का होल स्क्वेयर एंड देन अंडर रूट, ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ गया। तो जो सिंपल पेंडुलम जो ऑसिलेट होगा उसका जो टाइम पीरियड है टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव की बात करें बेटा तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है बेटा। तो ये थे आपके इस टॉपिक के क्वेश्चंस कुछ, नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे बेटा, ओके।